पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री आकाश चौरसिया जी का। आप बहुत ही कम उम्र में एक अच्छी पढ़ाई के बाद और जॉब के बाद इन्होंने एक खेती को रास्ता चुना, अपना स्वयं का मॉडल बनाया और उस मॉडल को प्रैक्टिकली इन डेप्थ अपने उसको अपने खेत में उसको सफल किया, मल्टी लेयर फार्मिंग की शुरुआत की। आकाश जी का आपने प्रवेशिका पहनाकर स्वागत करना चाहूंगा आप सभी। कृपया आकाश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मेलन की पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए। सभी के नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि इतनी लंबी तैयारी और इतना बड़ा आयोजन इस कोविड के दौर में आप सभी के लिए यहां पर किया गया। इस कड़ी में बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम की जानकारी आप तक पहुंचाई और इतना बड़ा आयोजन जो है इस कठिन दौर में आयोजित कराया। मैं पूरी टीम के लिए साफ हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहां पर बैठे कुछ नौजवान किसान और हिंदुस्तान के कोने कोने से सुन रहे जैविक खेती के लिए समर्पित इस यज्ञ को बड़ा बनाने के लिए, इस मिशन को बड़ा बनाने के लिए जो भी किसान यहाँ पर जुड़े हैं इस मंच के माध्यम से, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, समय नष्ट ना करते हुए सीधा हम लोग विषय पे चलते हैं। पूरे विश्व की आवश्यकता है जैविक, हर व्यक्ति की जुबान पर है जैविक, लेकिन धरातल पर जो है जितने रिजल्ट होने चाहिए उतने रिजल्ट नहीं है। समाज में जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए वो नहीं है। शुरुआत करते हैं यहीं से। जैविक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है और जैविक को लेकर आज पूरी दुनिया का रुझान जो है खेतों की तरफ है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में बहुत सारे विद्वानों ने इस पर काम किया है और सभी विद्वानों का सम्मान करते हुए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से जैविक की परिभाषाओं को परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं हम आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, फिर हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जिस विषय को लेकर आज पूरी दुनिया चिंतित है और हमें पता है कि जैविक से जो है हमारी तमाम तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। पर विडंबना यह है कि जब समाधान हो सकता है तब भी हम समस्या में क्यों जी रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस मानव जाति पर। तो क्वेश्चन मार्क का अगर हम आंसर ढूंढने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपनी दिमाग की कसरत करनी पड़ेगी। और दिमाग की कसरत के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर हम जैविक को सही ढंग से परिभाषित करना चाहे या फिर जैविक को समझना चाहे, दुनिया में एक आइडियोलॉजी तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कोई बात समझ में आ जाए तो वो फिर उसे करने से रुकता नहीं है। आज जितने भी हिंदुस्तान के धरती पुत्र जैविक को लेकर दिन रात संघर्ष कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको वो बात समझ में आ रही है। और जिसको जो बात समझ में आ जाती है फिर वो रहता नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि फिर ये गैप फिलिंग क्यों है। हिंदुस्तान में आज हम देख रहे हैं कि कितनी तमाम तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान जो है ना जैविक खेती में है, जैविक में है, फिर भी हम उसे अपने जीवन का हिस्सा क्यों नहीं बना पा रहे? उसका कारण है कि वो चीज हमको अभी समझ डीपली नहीं आ पा रही है। तो डीपली इस बात को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ परिभाषाओं पर हमें केंद्रित होना पड़ेगा और परिभाषाओं पर केंद्रित होते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जैविक खेती को जब हम समझने जाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जीवों द्वारा की गई खेती जैविक खेती है। परिभाषा सही है कि नहीं है? 100% सही है, 1% कमी नहीं है। लेकिन इस बात से ना तो हम जैविक जीवन जीना सीख पाते हैं और ना ही जैविक खेती को संपूर्णता समझ पाते हैं। फिर अगर हम इसको और डीपली समझने के लिए जाएं तो बिना रसायन के की गई खेती जैविक खेती है, तो ये भी परिभाषा एकदम सही है। पर लेकिन इसमें भी हम डीपली नहीं जा पा रहे। अगर हम और दूसरी परिभाषा की बात करें तो बिना कुछ डाले की गई खेती जैविक खेती है, तो ये भी परिभाषा एकदम सही है। लेकिन इससे भी बात जहन में नहीं उतरती है।
ये बात वैसे ही हो गई जैसे हमारे बच्चों को और हमारे लिए बचपन में पढ़ाया गया, पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। और इस तरह की पढ़ाई कर करके हम बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, और जब हमें सड़क बनाने का ठेका मिलता है तो पेड़ों को हम बिना निसंकोच जो है ना काट के रोड बना देते हैं। तो ये ठीक उसी तरह से है कि चीजें हम सुनते हैं मानते हैं लेकिन जहन में नहीं उतरती है वो चीजें, इसलिए हमें उसके रिजल्ट धरातल पर नहीं मिल पाते। और एक बार अगर कोई चीज जहन में उतर गई, आपकी समझ आ गई, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस काम को करने से रोक दे। तो चौथी क्या परिभाषा हो सकती है? तो अगर हम संपूर्ण परिभाषाओं को एक माला में पिरो दें तो एक परिभाषा बनती है जिससे हमें शायद बात समझ में आ जाए, और नहीं आती है तो भी आपको समझना तो पड़ेगी, क्योंकि हमने अभी आपको बोला अपनी दिमाग की कसरत करना पड़ेगी तभी ये बात समझ में आपको आएगी। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं या समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं या ऐसा है भी कि प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था का छोटा सा पार्ट है जैविक खेती। क्या है? प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था का छोटा सा पार्ट है जैविक खेती। मोबाइल बनाया, कपड़े बनाए, घर बनाए, नालियां सड़क बनाई, एरोप्लेन बम मिसाइल बनाई, तमाम सारी व्यवस्थाएं हमने अपनी जिंदगी को जीने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाई। ये व्यवस्थाएं हमें समझ में आती हैं, ठीक है। हम घर जाते हैं, सोते हैं, कपड़े पहनते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, टीवी देखते हैं, तो हमने बनाया, तो ये व्यवस्थाएं हमें समझ आती है बहुत आसानी से। लेकिन जब आप प्रकृति की व्यवस्था की बात करते हैं तो प्रकृति की व्यवस्था क्या है और ये कैसे चलती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो लोग खेती से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, जो लोग अन्न का सेवन करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये बात है कि प्रकृति की व्यवस्था से ही इंसान का जीवन चलता है। प्रकृति की व्यवस्था से ही हर कदम हम जीवन जीत पाते हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं कि पैसे से हमारी जिंदगी चलती है या घर से हमारी जिंदगी चलती है या गाड़ी मोबाइल से हमारी जिंदगी चलती है तो शायद ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे जीवन का। जिंदगी हमारी चलती है तीन चीजों से, भोजन हवा और पानी। अगर ये जिंदगी में है तो आपका अस्तित्व है, और अगर ये जिंदगी में नहीं है तो आपका धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है। अगर इस बात को तुलनात्मक तरीके से अगर हम समझेंगे तो शायद बहुत जहन में ये बात उतर पाएगी। मैं आप सभी को उदाहरण से देना बताना चाहता हूँ इस बात के लिए कि अगर हम ये मानते हैं कि हमने जिंदगी में जितनी भी मेहनत की है और इसके कारण जो हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं उन व्यवस्थाओं के कारण हमारा जीवन है या उनसे हमारी जिंदगी चलती है, तो जरा आपकी व्यवस्थाओं पर चर्चा कर लेते हैं। जो सबसे मूलभूत आवश्यकता आपकी है वो है घर, घर के बिना आप रह नहीं पाते, ठीक है कि नहीं? अगर एक बार कल्पना कर लो कि घर आपकी जिंदगी से हटा दिया जाता है तो क्या इस जीवन में आप जिंदा रह सकते हो, इस धरती पर जिंदा रह सकते हो? तो शायद जवाब में आएगा कि हाँ आप रह सकते हो। लेकिन अगर इस प्रकृति की व्यवस्था के पार्ट में से, जो कि आपकी व्यवस्था का पार्ट नहीं है, भोजन हवा पानी में से अगर भोजन आपकी जिंदगी से हटा दिया जाए तो शायद बिना घर के आप जिंदा रह सकते हैं लेकिन बिना भोजन के आप जिंदा नहीं रह सकते। तब हमें शायद समझ में आएगा कि हमारी व्यवस्था का मूल्य है या फिर प्रकृति की व्यवस्था का मूल्य है। दूसरी बात, अगर हम और थोड़ा एग्जांपल को आगे बढ़ाएं तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट जो वस्तु है आज की तारीख में आईटी फोन, जो हमारे जेब में हर दम रहता है, पत्नी छूट जाए चल जाएगा लेकिन फोन नहीं छूटना चाहिए ऐसा हमें महसूस होता है। अगर फोन कहीं छूट जाए तो लगता है कि यार कुछ छूट गया जिंदगी में। अगर वो महत्वपूर्ण वस्तु मानते हो आप, अपनी जिंदगी का पार्ट मानते हो, और उसको आपसे छीन लिया जाए तब भी आप शायद परेशान रह सकते हैं लेकिन मर नहीं सकते, जिंदा इस धरती पर रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी से पानी अगर छीन लिया जाए और मोबाइल एक की जगह 1000 मोबाइल आपके सामने रख दिया जाए तो भी आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। तो मोबाइल आपकी व्यवस्था है, पानी प्रकृति की व्यवस्था है। अगर इस एग्जाम्पल को और गहराई से डीप में समझना चाहें तो सबसे मूल्यवान वस्तु आज हमारे लिए है जिससे हम सारी व्यवस्थाओं को बनाते हैं, वो है पैसे। अगर आपके बैंक बैलेंस में 1000 करोड़ का बैलेंस है और झट से आपका 1000 करोड़ का बैलेंस गायब कर दिया जाए, एक मिनट के लिए सोच लो, गायब नहीं हो रहा, सोच लो खाली कि एक मिनट के लिए आपका सारा बैंक बैलेंस उड़ा दिया जाए तब भी आप शायद जिंदा रह सकते इस धरती पर, मरेंगे नहीं। लेकिन अगर हवा एक मिनट के लिए भी या 2 मिनट के लिए भी आपकी जिंदगी से हटा दी जाए तो शायद मुझे नहीं लगता कि अगले 3 मिनट के बाद आप इस धरती पर जिंदा रह पाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि पैसा, मोबाइल, गाड़ी, बंगला या
जो भी चीजें हैं आपने बनाई हैं अभी तक, पैदा होने से लेके मरने तक, इन सारी व्यवस्थाओं के कारण इस धरती पर आपका अस्तित्व नहीं है। आपका अस्तित्व है भोजन, पानी और हवा, जिसकी जो प्रकृति की व्यवस्था का पार्ट है। अब बात इतनी सी है कि ये बात हमें समझ कब आती है? अगर आज आ गई समझ में तो आज से हम जैविक जीवन जीना चालू कर देंगे, और आज नहीं आई समझ में तो ठीक है, जब आएगी तब जीना चालू करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें ये बात को आज से ही समझना आवश्यक है। प्रकृति की व्यवस्था का पार्ट है जैविक खेती। इसका मतलब यह है कि प्रकृति की व्यवस्था में भोजन, पानी, हवा से लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं जो हम नहीं कर पाते, वो व्यवस्थाएं प्रकृति की है। जैसे कि हम लाइट नहीं चला पाते, सूरज को नहीं उगा पाते, हमारे बस में नहीं है कि हम कह दें कि यार ये काम करो, थोड़ा सा टर्न करके उगना आज, ऐसा नहीं हो सकता। जो आपके बस में नहीं है वो नेचर की व्यवस्था का पार्ट है, और नेचर की व्यवस्था की वजह से ही आप इस धरती पर अपने अस्तित्व को बचा के रखे हो। तो कुल मिला के बात यह है कि जब हम प्रकृति की व्यवस्था की बात करते हैं और जिसके कारण हमारा अस्तित्व इस धरती पर है, तो क्या हमें इस व्यवस्था के साथ में जुड़ के काम नहीं करना चाहिए? क्या इस व्यवस्था को नहीं समझना चाहिए कि हमारा अस्तित्व कैसे इस धरती पर है और कैसे आने वाले समय में बना रहेगा? 100% करना चाहिए, ये हर एक मनुष्य का दायित्व है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे स्कॉलर्स हो, सबको समझना चाहिए इस बात को। तो मेरा कहना यह है कि जैविक खेती जो है प्रकृति की व्यवस्था का पार्ट है जो हम नहीं करते। इसका मतलब यह है कि जैविक खेती अगर आप करना चाहते हो तो आपको करने की जरूरत है ही नहीं, ये प्रकृति ऑलरेडी करती है, और एक नहीं हजार नहीं लाखों वर्षों से लगातार करती चली आ रही है। हम मनुष्य थोड़ा लोभी हैं, अपने लोभ के चक्कर में हम प्रकृति के तंत्र को जो लाखों वर्षों से एज इट इज चला आ रहा है उसको हस्तक्षेप करके अपना प्रोटोकॉल वहां पर लगाते हैं। और जब भी हम अपना प्रोटोकॉल लगाते हैं तो हम मुश्किल में होते हैं। और पिछले 60 वर्षों में जो हमने प्रकृति के प्रोटोकॉल के साथ में छेड़छाड़ करी है, उसके दुष्परिणाम ये है कि हिंदुस्तान में स्कूल और कॉलेजेस से ज्यादा हॉस्पिटलों की संख्या है, देश में किराने की दुकानों से ज्यादा मेडिकल स्टोरों की दुकानें हैं, तमाम तरह की बीमारी है। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के पेशेंट हिंदुस्तान में है, 5 करोड़ से ज्यादा हार्ट अटैक के पेशेंट है, 6 करोड़ से ज्यादा कैंसर के पेशेंट है, और अगर सारी बीमारियों की अगर आप लिस्ट बना लो तो लगभग सारा हिंदुस्तान बीमार है। ये हमारे 60 साल के पिछले प्रकृति के प्रोटोकॉल को हस्तक्षेप करने का गिफ्ट है। और अगर हम ये बात अभी भी नहीं समझे और लगातार प्रकृति के प्रोटोकॉल में उंगली करते रहे, तो निश्चित ही है वो दिन दूर नहीं जब मानव जाति का अस्तित्व बहुत ही जाके गर्त में गिरने वाला है। और ये हमें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हमें वो बात अभी भी समझ नहीं आ रही। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें नेचर के प्रोटोकॉल के साथ में हस्तक्षेप नहीं करना। नेचर का प्रोटोकॉल सदियों से, लाखों वर्षों से चला आ रहा है, और वो एक इतने बड़े सॉफ्टवेयर के साथ में चलता है जिसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, 3 साल बाद उसकी उपयोगिता जो है हल्की पड़ जाती, फीकी पड़ जाती है, और फिर जाके हमें दोबारा से उसमें कोई ना कोई अपडेटेशन चाहिए पड़ती है, अपडेट चाहिए पड़ता है, उसे अपग्रेड करना पड़ता है। लेकिन नेचर का प्रोटोकॉल आप उठा के देख लीजिए, कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जो भगवान राम के जमाने में नेचर काम कर रही थी वो कृष्ण के जमाने में कर रही है, आचार्य चाणक्य के जमाने में, महाराणा प्रताप के जमाने में, और आपके जमाने में वही काम कर रही है। नेचर के प्रोटोकॉल में रत्ती भर भी कोई करेक्शन नहीं हुआ है, हमारा प्रोटोकॉल लगातार बदलता रहता है। अगर हमें जैविक खेती को संपूर्ण तरीके से सीखना है और समझना है, जुड़ना है और इसके सही मायने में फायदे लेने हैं, तो एक लाइन आप अपनी जिंदगी में बना लीजिए कि नेचर की व्यवस्था के साथ, नेचर इतना सक्षम है कि वो अरबों खरबों जीवों की व्यवस्था भोजन, आवास और पानी की कर सकता है, और वो सदियों से करता चला आ रहा है। कर रहा कि नहीं कर रहा? 100% कर रहा। तो हमें चिंता करने की फिर जरूरत क्या है? हम थोड़ा सा लोभी हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें जल्दी मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, उसके चक्कर में हम जो है नेचर के प्रोटोकॉल में अपना हस्तक्षेप उंगली करते हैं, और जबरदस्ती हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, और जिसके कारण जो है हमारी धरती, हमारी पूरी प्रकृति की व्यवस्था को कहीं ना कहीं हस्तक्षेप पहुंचता है। और प्रकृति की व्यवस्था भोजन, हवा, पानी से लेकर सूरज उगने से लेकर पेड़ बनने से लेकर तना बनने से लेकर पत्ती और खुशबू और रंग, कलर, गूदा बनने से लेकर टेस्ट बनने से लेकर सारी व्यवस्थाओं के लिए
प्रकृति का सॉफ्टवेयर जिम्मेदार होता है और प्रकृति का सॉफ्टवेयर इतना जबरदस्त है कि वो अपने आप सदियों से काम करता है बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी ऑपरेशंस के। वो सदियों से उन्होंने एक ऑपरेशंस दे दिया है, एक फिक्स कर दिया। केंचुए को जब इस धरती पे ईश्वर ने बनाया तो वो उसको फिक्स कर दिया कि तुमको ऊपर नीचे मिट्टी को खाते अप डाउन करते रहना है और तुम्हारा संसार में कोई दूसरा काम नहीं है, ना तो तुमको टीवी देखनी है, ना तो रेस्ट करना है, ना तो फिल्म देखने जानी है, ना तो किसी के घर में गंदा करने जाना, ना शादी में जाना, ना आपके कोई परिवार के जन मर जाए तो दुख मनाना। ये फिक्स कर दिया। और जब से फिक्स किया तो राम के जमाने में भी केचुआ वही काम कर रहा था, चाणक्य के जमाने में भी वही काम कर रहा था, आपके जमाने में भी वही काम कर रहा, और आप नहीं रहोगे तो आने वाली पीढ़ियों में भी वही काम करेगा। तो ये नेचर का प्रोटोकॉल है। अब केचुए का काम क्या है? केचुए का काम है मिट्टी को पोलखर करना। ये संसार का वो जीव है जिसको सबसे ज्यादा ताकत मिली हुई है, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर मिले हुए, सबसे ज्यादा मतलब अपडेट जीवाणु है, ये जीव है धरती का। और ये पृथ्वी पर पूरी मानव जाति के लिए पानी की व्यवस्था को करने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है। और ये करता क्या है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझ आएगा इस बात को आपको, कि इसको जो पहला वरदान मिला है कि तुमको मिट्टी को ऊपर से लेके नीचे तक जाके खाते जाना है, और जिस रास्ते से तुम नीचे खाते जाओगे उस रास्ते से जिंदगी में कभी ऊपर नहीं आओगे। अब इससे हमें क्या फायदा और हमें क्या लेना देना, भाई वो आए जाए हमें क्या करना। तो आपको ये करना, आप जरा सोच के देखिए कि अगर वो एक रास्ते से गया और उसी रास्ते से वापस आया तो जिंदगी में जो उसको काम दिया भगवान ने कि तुम्हें मिट्टी को पोलखर करना अप डाउन करते हुए, तो वो क्या करेगा, एक ही जिंदगी में पोल बना पाएगा अपना। लेकिन उसको क्या सॉफ्टवेयर दिया कि तुम जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते से दोबारा वापस नहीं आओगे। तो इससे मानव को क्या फायदा होता है, इंसान को ये फायदा होता है कि वो जिस रास्ते से जाता है तो एक होल बनाता है, फिर दोबारा वो दूसरे रास्ते से जाता है तो दूसरा होल बनाता है, फिर तीसरे से जाता तो तीसरा बनाता है। 170 दिन की जिंदगी में 1.5 किलोमीटर के वो रास्ते अप डाउन करके अलग अलग रास्ते बनाता जाता है। और जब वो अलग अलग रास्ते बनाता है तो इंसान को ये फायदा होता है कि जितने रास्ते बनेंगे उतनी सुरंग बनेगी, और जितनी सुरंग बनेगी तो धरती पर जितनी पानी की बूंदें गिरेंगी, अलग अलग सुरंगों के माध्यम से वो पानी धरती के अंदर जाएगा और वाटर रिचार्ज की जो रिसोर्सेज ईश्वर ने हमारे लिए भंडारण गृह बनाए उनको रिचार्ज करेगा और हम पुनः कुओं में ट्यूबवेलों में मशीनों के माध्यम से पानी को निकाल पाएंगे। कितनी अहम भूमिका है सोचिए, कल्पना करिए, अगर हमारी थोड़ी भी जरूरत पूरी नहीं होती है तो हम सड़कों पर हड़ताल पर बैठ जाते हैं। आप कल्पना करिए अगर कभी केचुए ने संकल्प कर लिया कि इंसानों ने यूरिया डाल डाल के हमको मार डाला, हमारी नस्लें बर्बाद कर दी, आज से हड़ताल, कोई काम नहीं करेंगे, तो आप सोचिए पानी की जो बूंद धरती पर गिर रही है वो रिचार्ज कौन करेगा। क्योंकि इस पूरी समष्टि में ईश्वर ने जो सॉफ्टवेयर बनाया हर एक जीव को अल्टीमेट प्रतिभा देके बनाया है कि तुम जो काम कर सकते हो संसार का कोई जीव नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, केंचुए का काम क्या मच्छर कर सकता है? मच्छर का काम क्या तितली कर सकती है? तितली का काम क्या भौरा कर सकता है? भौरे का काम क्या गाय कर सकती है? गाय का काम क्या बिल्ली कर सकती है? बिल्ली का काम क्या सांप कर सकता है? सांप का काम मेंढक कर सकता है क्या? सोचिए जरा, कोई नहीं कर सकता। एक हर एक जीव की यूनिक आइडेंटिटी बना के रखी ईश्वर ने, और ये जीव नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है जो पूरे विश्व को चला रहे हैं, और पूरे विश्व को चलाने के साथ साथ मानव के लिए जो सुख सुविधाएं चाहिए, भोजन हवा पानी, इनकी व्यवस्थाओं में लगातार दिन रात संघर्ष करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। केवल इस धरती पर मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो स्वार्थ के लिए इन जीवों की हत्या करता है, और बाकी सारे जीव निस्वार्थ भाव से इंसान के लिए, वो पूरी मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के क्रम को बनाए रखने के लिए निस्वार्थ भाव से दिन रात अपनी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हमारा दायित्व नहीं बनता क्या कि हम इन जीवों की रक्षा करें? जो जीव पानी की रिचार्जिंग व्यवस्था के लिए बनाए हैं, जो जीव, देखो सीधी सीधी बात है, एक बात आप जान लीजिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आप जो काम करते हो इस काम को करने वाला एक कुशल व्यक्ति आपके पास में है जो आपकी अनुपस्थिति में वो काम संभाल सकता है, तो आपको क्या लगता है आप अपने काम को क्या और नहीं बढ़ा सकते? 100% बढ़ा सकते। अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि अगर एक और ऐसा कुशल व्यक्ति हमारे पास हो जाए तो हम जो है एक काम और नया खड़ा कर देंगे।
सही है कि नहीं है? क्योंकि आपको वो काम देखना नहीं पड़ेगा। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर आप पानी की दिक्कत से जूझ रहे हैं, पानी की रिचार्जिंग की व्यवस्था पर पूरा विश्व काम कर रहा है और चिंतित है पानी की व्यवस्था को लेकर, और अगर हमें ये बात पता है कि पानी रिचार्जिंग के लिए तो भगवान ने केचुए को ऑलरेडी धरती पर सॉफ्टवेयर के रूप में बनाया है, तो फिर हम उसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों गड्ढे खोदते रहते हैं, क्यों पाइप डालते रहते हैं, दुनिया भर के जो काम है वो करते रहते हैं? तो केचुए को ऑलरेडी उन्होंने ये दायित्व दे रखा है कि तुम पानी रिचार्ज करने के लिए सक्षम हो, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको उन जीवों की रक्षा करके उन जीवों को निरंतर बढ़ाना चाहिए। अगर हमने उन जीवों की संख्या को बढ़ा लिया, आज 1,00,000 केचुआ आपके खेत में काम कर रहा है, अगर आपने बिना रसायन डाले खेती की, कल के दिन 1 करोड़ काम करेंगे, परसों के दिन 10 करोड़ काम करेंगे, तो जितने ज्यादा केचुए आपकी मिट्टी में हो जाएंगे उतना ज्यादा काम होगा और उतना ज्यादा पानी की रिचार्जिंग व्यवस्था होगी। और ऐसी कोई एक व्यवस्था नहीं है, आप नेचर को जब समझने जाते हो, जैविक खेती करने जाते हो, तब आपको पता चलता है इस नेचर में हर एक काम को करने के लिए स्पेशल जीव बनाया, हर एक काम को करने के लिए। अगर दूध से दही बनना है तो उसके लिए अलग जीव बनाया, दही से अगर छाछ बननी है तो उसके लिए अलग जीव बनाया, वो ही बनाएगा, आप नहीं बना पाओगे। नेचर का साइंस इतना गहरा है कि हर काम स्वतः अपने आप होते हैं, पर हम लोग जो है ना लोभ के चक्कर में इन जीवों की हत्या करते हैं, केवल इतनी समझ क्रिएट नहीं कर पाते हैं कि अगर मान के चलो किसी जीव को वरदान के रूप में ईश्वर ने हमारे लिए दिया है, तो हम उस जीव को निरंतर आगे बढ़ाएं और उसकी जिंदगी को समझे, ताकि वो जो काम हमें करवाना है वो उन्हीं जीवों से करवाएं। संसार में जितने जीवों की व्यवस्था है, उन सारे जीवों में हर एक प्रतिभा यूनिक आइडेंटिटी लेकर है, और दूसरा जीव किसी दूसरे जीव का काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि हर एक जीव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हमें जैविक खेती में अच्छे परिणाम चाहिए हैं, तो प्रकृति के प्रोटोकॉल को आप समझ जाइए, और प्रकृति में जितने जीवों से काम होता है और जो जो काम होता है उन जीवों की रक्षा करना आप चालू कर दीजिए, जैविक खेती में परिणाम अपने आप आ जाएंगे। अब चिंता की बात यह है पूरे समाज को, पूरे किसान भाइयों को, कि अगर हम जैविक खेती में उतर गए सीधे, तो एक डर है पीछे से कि ऐसा ना हो कि हम असफल हो जाए, ऐसा ना हो कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारी चीजें ना बिके, तमाम तरह के सवाल जो है हमारे दिमाग में बार बार जो है पीछे आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने सागर में, सागर की धरती पर बहुत सारे अपने खेतों में नवाचार किए हैं, और निश्चित ही उन नवाचारों से किसान की आमदनी 2 गुनी नहीं, 3 गुनी नहीं, 4 से 5 गुना तक आराम से बढ़ाई जा सकती है। और जिस व्यवस्था के साथ में और जिन नवाचारों के साथ में हम काम कर रहे हैं, वो नवाचार अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको हम बताने वाले हैं। तो अगर वो नवाचार 4 गुना आमदनी बढ़ा सकते हैं, और जितने भी एग्रीकल्चर में अव्यवस्थाएं या कहने चाहिए जिनको हम कहते हैं समस्याएं हैं साहब, वो समस्याओं का अगर समाधान बन सकते हैं, तो हमें उन नवाचारों के साथ में अगर हम काम कर सकते हैं, देश के 2000 5000 10000 नौजवान काम कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान का प्रत्येक किसान क्यों नहीं कर सकता? तो वो चीजें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, मोबाइल को साइलेंट करके रखना होगा, और ध्यान से इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जिस वक्त को निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं, जिस चीज को समझने के लिए बैठे हैं, जिस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, वो समाधान आपके हाथ में यहाँ से इस पंडाल, इस प्रांगण से निकलने के बाद आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम ये ना कहें कि हमें तो भाई ये बात समझ में नहीं आई, इसमें तो कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें ये नहीं करना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो कृपया अपना फोन साइलेंट करके बैठे और ध्यान से जो विषय हम आपको बता रहे हैं उस विषय को बहुत ध्यान से केंद्रित होके आप सुने समझें, तो निश्चित ही आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान यहां से लेके जाओगे। हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं, हमें विषय दिया गया है बहुपरत खेती, लेकिन बहुपरत जब खेती की हम बात करते हैं तो बहु विषय उसमें आ ही जाते हैं, क्योंकि अगर हम एक विषय को गंभीरता से नहीं समझेंगे तो दूसरे विषय को हम बहुत अच्छे से समझने में सक्षम नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो पिछले 10 सालों में काम किया गया है, देखो मैं बताऊं आपको, हम डॉक्टर बनना चाहते थे, सपना था कि मैं डॉक्टर बनके लोगों का इलाज करूं, हर व्यक्ति का सपना होता है, पैदा होते ही पहले जो है
हमारी जिंदगी पर टैग लगाते हैं, हमारे ताऊ लगाते हैं, पिता लगाता है, चाची लगाती हैं, अम्मा लगाती हैं कि ये बेटा डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये पायलट बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। उससे पूछा ही नहीं है कि तुम कौन सी प्रतिभा लेके पैदा हुए हो। ये तो बाद में पता चलता 60-70 साल की उम्र के बाद कि यार हमें करना तो वो था, हम कर ही बैठे। तो हर व्यक्ति जो है ना एक प्रतिभा लेके पैदा होता है। संसार का कोई भी जीव या जाति या मनुष्य ऐसा नहीं है जो बिना प्रतिभा के लेके पैदा हुआ हो। तो बचपन से एक ख्वाब था कि लोगों की सेहत ठीक करनी है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना है। तो पता चला कि आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों की हेल्थ ठीक कर पाओगे। तो पढ़ना चालू किया, पढ़ना चालू किया तो लगातार हॉस्पिटलों से जुड़ना चालू हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति की जिस चीज में रुचि होती है वो लगातार उन चीजों से हमेशा जुड़ा रहता है। अगर कोई व्यक्ति तैराकी में अगर महारत हासिल करना चाहता और उसका सपना वो है, तो वो लगातार पानी के संपर्क में रहेगा। अगर वो एरोप्लेन उड़ाना चाहता है तो कॉपियां फाड़ फाड़ के वो कागज का एरोप्लेन बना के आपको बता देगा कि मेरी प्रतिभा जो है ऊपर है, मुझे ऊपर जाना है, एरोप्लेन उड़ाना सीखना है। लेकिन हम लोग कभी कभी चीजों को समझ नहीं पाते हैं और किसी दूसरी दिशा में निकल जाते हैं। तो सपना था कि डॉक्टर बनूं और लोगों का सेहत ठीक करूं। लगातार अस्पतालों से जुड़ने का मौका मिला इस सपने के कारण, और मैंने वहां पर देखा कि लगातार डॉक्टरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर बनने से फायदा क्या है फिर, कि एक तरफ बीमारियां बढ़ रही, दूसरी तरफ जो है अस्पतालें बढ़ रही। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर बन के चीजें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही, ना तो रुक रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसको करने से कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो शायद समस्याएं और आगे नहीं बढ़ रही होती, वहीं तक सीमित रहती। तो बुंदेलखंड में कहावत है, आप सबने बहुत अच्छे से सुन रखी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो सारी चीजें खान पान से जुड़ी हैं। जैसा आप खाते हो वैसे ही आपका मन होता है, वैसे ही आपका तन बनता है, वैसे ही थॉट्स बनते हैं, विचार बनते हैं, और वैसे ही बॉडी का आपका रिएक्शन होता है। तो सारी चीजें खान पान से जुड़ी हुई है, जैसा हम खाते हैं वैसा हम बन पाते हैं। तो कुल मिला के सारी चीजें जब खान पान से जुड़ी है और इसकी जड़ जो है भोजन है, तो क्यों ना भोजन को सुधारा जाए। तो डॉक्टर बनने का सपना छोड़ किसान बनना स्वीकार किया और संकल्प लिया 2011 में कि अब डॉक्टर नहीं बनेंगे, अब खेती करके लोगों को अच्छा अन्न खिला के लोगों का स्वास्थ्य ठीक करेंगे। तो 2011 में ये संकल्प लिया और आज इसका परिणाम ये है कि 10 डिसमिल भूमि से इस काम की शुरुआत की थी 2011 में, आज पूरे हिंदुस्तान में 35-36 हजार एकड़ भूमि पे विषमुक्त गो आधारित कृषि का कार्य सफलतापूर्वक हम करवा रहे हैं। थोड़ी जोर से बजा लो। चलिए हाँ, अब मुख्य विषय पे बात करते हैं। पिछले 10 सालों में जो किया, क्योंकि एक नौजवान जब एक किसान अपने काम को करने जाता है तो उसके हाथ में क्या होता है, सबका एम होता है पैसा, पैसे के साथ लेकिन कुछ और भी चाहिए होता है उसे, वो होता है सम्मान। सम्मान के साथ में उसे चाहिए होती है समृद्धि, उसे चाहिए होती है सेहत, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। अगर ये सारी चीजें उसको अगर कहीं मिलती हैं तो वो तुरंत जो है ना उस रास्ते पे चल देता है। खेती में जो है सम्मान तो बिल्कुल भी नहीं है, पैसे बिल्कुल भी नहीं है, इज्जत बिल्कुल भी नहीं है, और समृद्धि तो साफ ढूंढने से नहीं मिलती है, कंगाली हमें देखने को मिलती है। तो जब मैंने इस काम को शुरू किया तो एक ध्येय था कि इस काम को इतने अच्छे से करना है, इतने अच्छे से करना है कि दुनिया की सारी निगाहें हमारे खेत पर टिक जाएं, और ये संभव हुआ। पिछले 10 सालों के कुछ कार्य पर हम अपनी नजर डालते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 10 सालों में अभी तक जो काम किया उसका परिणाम क्या है। एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। सबसे पहले नंबर यहां पर हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हम कितने वर्टिकल पे काम कर रहे हैं। देखो, एग्रीकल्चर कोई टमाटर उगाने का काम नहीं है, या केवल टमाटर उगाने का काम नहीं है, या खेती केवल भट्टा उगाने का काम नहीं है, या खेती केवल गेहूं उगाने का काम नहीं है। खेती कंप्लीट एक उद्योग है, एक इंडस्ट्री है जिससे दुनिया की सारी इंडस्ट्रियां चलती हैं, और अगर किसान ठान ले तो वो सारी इंडस्ट्रियां खेत पे चला सकता है। एक बात। दूसरी बात, खेती को हमें कई मायनों से समझना पड़ेगा। जैसे हम घर बनाते हैं, घर में एक सुंदर सा अपना रहने के लिए कमरा बनाते हैं, कमरा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या उस कमरे को सजाने के लिए क्या करना पड़ता है, या उस कमरे को सजाने से पहले क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले नंबर तो आपका जवाब होना चाहिए कि हमें प्लॉट खरीदना होगा, कम प्लॉट खरीदना पड़ता है। प्लॉट खरीदने के बाद हमें लेआउट बनाना पड़ता है, किधर क्या बनाना है, फिर दीवार बनानी पड़ती है, फिर प्लास्टर करना होता है, फिर छत बनानी पड़ती है, फिर जाके हमें डोर बनाने पड़ते हैं, खिड़कियां बनानी पड़ती हैं, और फिर जाके हमें घर को अंदर की दीवारों पे घर को कमरे को सजाना पड़ता है। तो आज अगर हम एग्रीकल्चर को, कृषि को ये समझें
कि इसको हमें सजाना है, इससे हमें प्रोडक्टिविटी लेनी है, तो हमें पहले नंबर फ्रेम वर्क करना होगा, एग्रीकल्चर के पूरे फ्रेम वर्क को, पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम पर काम करना होगा, और उसमें तमाम सारे विषय हैं, उन सारे विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहला तो है काउ बेस्ड सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, गो आधारित स्वावलंबी जैविक कृषि पर हम काम कर रहे हैं, मोनोक्रॉपिंग के कल्चर पर काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में 90% से ज्यादा में होती है, इंटरक्रॉपिंग के कल्चर पर काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद मिक्स क्रॉपिंग के कल्चर पर काम कर रहे हैं, मल्टी क्रॉपिंग के कल्चर पर भी काम कर रहे हैं, और सबसे लेटेस्ट और अपडेट जो टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आपसे डीप में, मल्टी लेयर फार्मिंग, उस पर काम कर रहे हैं, और उसके बाद एग्रीकल्चर मैनेजमेंट पर बात कर रहे हैं, देसी बीजों को बचाने पर भी काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद बायोडाइवर्सिटी पर काम कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा विषय है, अगर ये विषय आपकी जमीन पर नहीं उतरा तो जैविक खेती में परिणाम आपके खेत में नहीं आने वाले, एक एक करके बताऊंगा। फूड प्रोसेसिंग पर भी काम कर रहे हैं और बाकी स्किल डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान का स्किल्ड हमारा एग्रीकल्चर का कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पर है, उसे रोककर वापस जो है ना युवाओं के हाथ में डेवलप करने का प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। इसके बाद ये कुछ 10 सालों के कार्य का परिणाम है, जिसमें सबसे पहले नंबर तो हमने पूरे देश में जो आज हम कहते हैं ना जैविक खेती होना चाहिए, जैविक खेती बाजार से जैविक खाद लाके डालने का काम नहीं है, जैविक खेती है स्वावलंबी व्यवस्था का काम, और ये व्यवस्था आपके खेत पर स्वतः होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था आपके खेत पर स्वतः है तो इसका मतलब ये है कि आप नेचुरल फार्मिंग जैविक खेती कर रहे हैं, और नहीं तो फिर वो बाजारी व्यवस्था से अगर आप काम कर रहे हैं तो वो जैविक खेती का पार्ट नहीं है। तो 151 मॉडल पूरे देश भर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बने हुए हैं, 65,000 से भी ज्यादा किसानों को हमने प्रैक्टिकली अपने खेत से ट्रेनिंग दी। आज ये व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का जो विषय है वो टोटल प्रैक्टिकल है, जब तक आप इसे देख के नहीं समझते हैं तब तक बात आपको समझ में नहीं आती है। 65,000 से भी ज़्यादा जो है किसानों को अपने खेत सर हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे चुके, 10,000 से ज़्यादा यूथ को ट्रेनिंग दे चुके, युवाओं को खेती की तरफ डाइवर्ट कर चुके, 12,00,000 से भी ज़्यादा किसानों को अलग अलग शिविरों के माध्यम से पूरे देश में एड्रेस कर चुके, 255 से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल पिछले 10 सालों में बना चुके, लाखों फार्मर का नेटवर्क तैयार किया। भारत ही नहीं, भारत के अलावा हम लोग जो है ना दूसरों के काम को बहुत अच्छा समझते हैं, हमेशा अपने काम में कोई नवाचार नहीं ढूंढते हैं, हम सोचते हैं कि दूसरा देश बहुत अच्छा काम कर रहा है वहां जाके खेती सीखना चाहिए, लेकिन हमारी शुरू से एक तलब थी अंदर कि काम ऐसा होना चाहिए कि दूसरे देशों की निगाहें अपने भारत पर होना चाहिए, और ये हमने पिछले 10 सालों में किया, 24 देशों के लोगों को हमने अपने खेत पे बुलाने पे मजबूर किया। इसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और तमाम तरह की संस्थाओं के लोगों ने फार्म पर विजिट किया, 25 से भी ज़्यादा भारत की बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जाके लोगों को, बच्चों को ट्रेनिंग दी, 2,500 से भी ज़्यादा जो है भारतीय सेना के जवानों को वेस्ट मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग दी, बड़ी बड़ी मैगजीन्स में लगातार आर्टिकल आते रहते हैं और डीडी किसान चैनल पर भी लगातार एपिसोड हमारे चलते रहते हैं। ये कुछ 10 सालों के परिणाम हैं जो मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं और आगे की, तो जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की हमने बात करी, ऑन प्रैक्टिकल जो भी हमने नवाचार अपने खेत पर किया, उन सारे नवाचारों को देश के सभी लोगों के साथ में हमने अवगत कराया। अगर हमने टमाटर उगाए तो हमने सब लोगों को टमाटर दिखाए कि देखो हमने ऐसे उगाए, आप भी उगा सकते हैं, यही लर्निंग है, यही जो है सीखने का एक तरीका है। इसके बाद जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जितने भी किए वो सारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए, जिसमें अभी 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से हमने इस काम की शुरुआत की थी, आज 5 दिवसीय और 7 दिवसीय कार्यशाला स्किल डेवलपमेंट को लेकर, यूथ डेवलपमेंट को लेकर हम लगातार शिविर करते रहते हैं। जो आवासीय होते हैं पूर्णतः हर एक प्रैक्टिस को हम लगातार लोगों के बीच में सिखाते हैं। आर्मी के लोगों को भी हमने वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो है लगातार ट्रेनिंग देते रहते हैं कि किस तरह से हम कचड़े को डिस्पोज करके उसे मैन्योर में बदल सकते हैं, आग ना लगाएं, आग लगाने से हमारा एनवायरनमेंट भी दूषित होता है और जितने बायोमास में हम आग लगाते हैं वो सारा बायोमास जलने के बाद जो है राख बन जाता, ऐश बन जाता है और एनवायरनमेंट को उससे नुकसान होता है, तो वो सब हमने किया। फिर उसके बाद जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सारे लोग जो है अलग अलग समय पर इन सारे कामों को देखने के लिए खेत पर लगातार आते रहते हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज आप सभी लोग जानते हैं, विश्व योग गुरु के नाम से पूरे विश्व में फेमस हैं। तमाम तरह के जो चैनल हैं उनके माध्यम से भी हमने लाइव टेलीकास्ट लोगों तक पहुंचाने का अपने नॉलेज का प्रयास किया, तमाम तरह के जो चैनल हैं उनके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से,
लगातार आर्टिकल लिखते रहते हैं, करीब 64 से भी ज़्यादा आर्टिकल पूरे देश और दुनिया की मैगजीन्स को हमने लगातार लिख के दिए, ताकि जो कृषि के नवाचार हैं वो खेत से निकलकर हर एक किसान और नौजवान तक पहुँचे और इसका फ़ायदा हो। सबसे पहला जो इस कार्य के लिए सम्मान दिया परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने 2016 में पतंजलि कृषि गौरव सम्मान से इस काम को नवाजा गया। फिर इसके बाद 2017 में भारत के पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन जी और आनंद महिंद्रा ने इसे महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड का नेशनल विनर घोषित किया। दूसरा इसके बाद बायोवेद रिसर्च सोसाइटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ने बेस्ट फार्मर का खिताब 2017 में दिया। इसके बाद जन परिषद भोपाल GSPL फाउंडेशन नवीन जिंदल जी ने इसे राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध का खिताब दिया। HR क्लब ने बेस्ट फार्मर का खिताब दिया। भारतीय अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली पूसा ने इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की कृषि की उपाधि दी। इसके बाद एग्री एंटरप्रेन्योर समिट में पूरे देश और दुनिया से तमाम तरह के आइडिया के बीच में हमने अपना 4-layer एग्रीकल्चर का आइडिया प्रेजेंट किया और वहां पर इस आइडिया को नंबर 1 खिताब दिया गया। फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कृषक फेलो सम्मान से इस काम को नवाजा। इसके बाद मार्वलस रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में नाम दर्ज कराने वाले पहले भारतीय किसान 27 साल की उम्र के बने। ताली बजती है भाई। इसके बाद भारत के वर्तमान तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी इस कार्य को अप्रिशिएट किया, माननीय मोदी जी ने। फिर इसके बाद जो है ना धरती मित्र सम्मान जो है जैविक ऑर्गेनिक इंडिया ने नेशनल विनर घोषित किया 2020 में ही। फिर उसके बाद 2019 में। फिर इसके बाद रूलर आइकॉन का खिताब जो है ना हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने अभी दिया 2020 में। और आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में 2020 में इस खिताब को दिया गया, जो कि जापान में भारत की तरफ से नेतृत्व करने का मौका मिला था, लेकिन कोविड के दौरान ये प्रोग्राम ऑनलाइन हुआ और पूरे विश्व में सागर भारत का नाम जो है एग्रीकल्चर के लिए नॉमिनेट हुआ और नामांकित के साथ साथ विनर भी घोषित हुआ। ये बड़ा अचीवमेंट है। तो ये सारा अचीवमेंट जो है ना हिंदुस्तान का जो कोने कोने में काम कर रहा नौजवान किसान उन सभी का है। मैंने ये सारी बातें इसलिए बताई कि अभी 10 साल का जो सफर है खेत तक ही सीमित नहीं है, खेत से निकलकर पूरे विश्व में जा चुका है और आप सभी लोग इसके साक्षी हैं और आपको इसलिए बताया कि आप भी ऐसा कर सकते हैं और ऐसा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने काम की। तो जो हमने सबसे पहला विषय आपको बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती और वो भी काउ बेस्ड गो आधारित कहाँ से शुरू होती है, अगर हम इस व्यवस्था को समझने जाएं तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की व्यवस्था है, मतलब स्वावलंबी कृषि की व्यवस्था है, मतलब ये सारी व्यवस्थाएं आके स्वावलंबन पर टिकना चाहिए। खुद के खाद, खुद की दवाई, खुद के बीज, खुद के सारे संसाधन, ये सारे संसाधन जब आपके होंगे तब जाके आपकी जो व्यवस्था है वो संपूर्ण जैविक खेती की व्यवस्था कहलाएगी। अब एक एक को हम समझते हैं थोड़ा डीप में। जो खाद की जहां तक हम बात करते हैं तो देसी गाय के गोबर से करीब हम 32 तरह के जैविक खाद बनाते हैं, 32 टाइप्स के। लेकिन अब अगर किसान इनको बनाने बैठ जाए तो उसका वक्त तो खाद बनाने में निकल जाएगा। तो हम क्या करें ऐसा कि जिससे हमारी मिट्टी की जो ताकत है या प्रोडक्टिविटी के लिए जो हमें रसायन खाद के विकल्प में जो खाद चाहिए वो हम कैसे बना सकते हैं और उनके फार्मूला क्या है। तो मैं आपको बता दूं, हमने DAP के विकल्प में खाद बनाया, हमने यूरिया के विकल्प में खाद बनाया, हमने पोटास के विकल्प में खाद बनाया, हमने सूक्ष्म पोषक तत्वों के विकल्प में खाद बनाया, सारे रसायनों के विकल्प में खाद बना के फार्मूले तैयार किए। और जब वो हम एक आदर्श डाइट के रूप में और एक संतुलित डाइट के रूप में पौधे को देते हैं तो हमें प्रोडक्टिविटी पहले साल से कम नहीं मिलती बल्कि रसायन से आगे ही मिलती है और लगातार फिर वो बढ़ती भी जाती है। तो एक एक पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर जब हम जैविक खादों की बात करेंगे तो सबसे पहला जो खाद है वो वर्मी कंपोस्ट, जो सब लोग आज जानते हैं केचुआ खाद के रूप में जाना जाता है और सभी लोग सामान्यतः इसे बनाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी खाद है। इससे बहुत सारे एंजाइम और एसिड्स हमें मिट्टी के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद होता है वर्मी फॉस खाद,
फॉस्फोकंपोज खाद, नीमोफॉस मटका खाद, जीवामृत, वर्मीवास, काउडनकर्प और गौकृपा अमृतम, ये हमारे खेत में मिट्टी के डाइट का हिस्सा होना चाहिए। अगर ये इतने तरह के फार्मूले अगर हम खेत पे अपने तैयार कर लेते हैं तो रिप्लेसमेंट ऑफ रसायन, मतलब सभी तरह के रसायनों का आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता है। और जब ये आप संतुलित मात्रा में मिट्टी को एक भोजन के रूप में देते हैं तो आपको प्रोडक्टिविटी की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, प्रोडक्टिविटी आपकी दम के मेंटेन होती है। लेकिन अब इसमें बात यह है कि इनको बनाए कैसे, लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन हम एक सबसे इंपॉर्टेंट खाद के बारे में आपको बता देते हैं जो बहुत जरूरी है, जो आज हम पूरे भारत में डीएपी के नाम से इस्तेमाल करने पे मजबूर है। और इस खाद को आप बहुत सहजता से आप बना सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 70% 75% काउडंक लेते हैं, देसी गाय का ताजा गोबर, और उसमें हम 25% रॉक फास्फेट पाउडर जो कि मिनरल्स के रूप में खदानों से मिलता है वो लेते हैं और दोनों को आपस में मिला देते हैं। और दोनों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो लगभग 60 से 70 दिन तक इसमें रखते हैं। जब गोबर ताजा होता है तो रॉक फास्फेट मिलाने के बाद 1 महीने का हम इंतजार करते हैं, और फिर जाके जब गोबर ठंडा हो जाता है तो हम उसमें अर्थबम छोड़ते हैं। और अर्थबम भी हम देसी प्रजाति इस्तेमाल करते हैं जो गोबर और मिट्टी दोनों खाती है। अगर हमने बाहर के केंचुए को इस्तेमाल किया जो कि हमारे मिट्टी में सर्वाइव नहीं हो पाएगा या फिर मिट्टी को नहीं खाएगा, तो हमारे अर्थबम कंपोस्टिंग या बर्मी कंपोस्टिंग या जो भी कंपोस्ट हम बना रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। क्योंकि जब वो केंचुआ या केंचुआ खाद खेत में जाके डलेगी तो जाके वहां पर जो है ना वो केंचुआ मर जाएगा, और जब केंचुआ मर जाएगा तो आपके काम करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमें उस भारतीय नस्ल के देसी प्रजाति के केंचुए पर काम करना है जो गोबर और मिट्टी दोनों खाता हो, ठीक है। तो इस प्रजाति के साथ में हम काम करते हैं, और ये बैग में भी रखते हैं और जमीन के पेड़ पे पेड़ की छाया के नीचे भी आप इसे मिला के रख सकते हो। 75% गाय का गोबर देसी ताजा और 25% रॉक फास्फेट पाउडर, इन दोनों को आपस में मिला के मिक्स करके रख दीजिए। 1 महीने तक उसको गोबर को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर जाके उसमें अर्थबम छोड़ दीजिए। तो ये जाके गोबर और रॉक फास्फेट केंचुआ खाएगा और वीट करेगा, तो जो वीट होगी वो रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी होगा, और उसे 2 टन पर एकड़ के हिसाब से अगर आप खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। डीएपी, एफएसपी, सिंगल फ्लोर फास्फेट और एनपीके जो फर्टिलाइजर हैं वो सब रॉक फास्फेट के रॉ मटेरियल से बनते हैं, और ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनमें इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो हमें चाहिए पड़ती है। जो अभी जितने भी रसायन खाद होते हैं ये सब मिनरल से ही बनते हैं, जो नेचुरल फार्म में हमारे कंट्री में कुछ निकलते हैं कुछ बाहर से आते हैं, लेकिन अगर इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं हुई तो जाके ये प्लांट को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। तो वहां पर उनकी सॉल्युबिलिटी के लिए गंधक मिलाई जाती है, गंधक का तेजाब मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाई जाती है, और हम लोग वो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलाते हैं, वो रसायन हो जाता है और जाके जमीन के जीवाणुओं को खत्म करता है। हम लोग क्या करते हैं, गोबर में जो एसिडिटी होती है, यूरिन में जो एसिडिटी होती है, उससे रॉक फास्फेट की सॉल्युबिलिटी करते हैं, और साथ में अर्थबम को डाल देते हैं। तो अर्थबम उसकी बॉडी से जब निकलता है तो 22 तरह के एंजाइम और 5 प्रकार के एसिड्स को वो अपनी बॉडी के अंदर से सिलेस्मा पदार्थ के रूप में लगातार छोड़ता रहता है। तो जब गोबर रॉक फास्फेट एक साथ में रहता है और केंचुए की बॉडी से निकलता है तो वो रॉक फास्फेट जो है ना पूरी तरह से सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, और जब वो सॉल्युबल फॉर्म में आ गया तो हमारा काम हो गया। जैसे ही हम प्लांट को देंगे वो फास्फेट के रूप में प्लांट को मिल जाएगा। तो सीधा ये फार्मूले से आप खाद बना सकते हैं, और हिंदुस्तान का हर एक नौजवान और किसान इसे बहुत सहजता से कर सकता है। पेड़ की छाया चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बोरा आप फाड़ दो, बोरे को ऊपर से 4 डंडों से आप बना के और नीछे गोबर रख के और रॉक फास्फेट मिला के अर्थबम छोड़ के इस काम को किया जा सकता है। बहुत सहजता से आप इसे बना सकते हैं। 2 टन पर एकड़ के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको डीएपी नहीं डालने की जरूरत है बिल्कुल भी, और रिजल्ट जो आपको चाहिए उससे ज्यादा ही आप अपनी डायरी में लिख लेना, आपको मिलेंगे। इसके बाद हम गोबर का अर्क भी निकालते हैं, क्योंकि गोबर जब गाय के पेट से निकलता है तो उसमें ढेर सारे मिनरल्स, ढेर सारे एंजाइम, ढेर सारी एसिड्स, ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन गोबर को हम यूज ही करना नहीं जानते, खत्म कर दिया हमने यूज करना। क्यों? क्योंकि हमें रेडीमेड बोरी मिल जाती है तो हमें लगता है कि इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम उठाते हैं गौशाला से और फेंक देते हैं रोड पर, या तो गड्ढे में पटक देते हैं या तो ढेर लगा देते हैं सड़कों के किनारों पर। जब हम सड़कों के किनारों पर ढेर लगाएंगे तो गोबर में देखो 2 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक सॉल्युबल न्यूट्रिएंट होते हैं, एक अनसॉल्युबल होते हैं, एक मूवेबल होते हैं, एक अनमूवेबल होते हैं। तो जो मूवेबल तत्व होते हैं वो जैसे ही गोबर आप रोड पर ढेर लगाते हैं और वो लगातार एवापोरेशन की प्रोसेस से वो सारे न्यूट्रिएंट वायुमंडल में उड़ जाते हैं। जब वायुमंडल में सारे न्यूट्रिएंट उड़ जाएंगे तो आपके गोबर में फिर जो ताकत थी वो तो खत्म हो गई,
ठीक है। एक तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास देसी गाय का गोबर नहीं है, हमारे पास जर्सी का या भैंस का जिसमें पोटेंशियल भी नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो जब एनर्जी नहीं है और जाके उस गोबर को हमने रोड पर ढेर लगा दिया, गड्ढे में पटक दिया, गड्ढे में पटकोगे रोड पर ढेर लगाओगे, इवापोरेशन होगा लगातार, और जब इवापोरेशन होगा तो सारे न्यूट्रिएंट उसके जितने मूवेबल वाले थे वो सब निकल के मूव हो जाएंगे, और जो अनमूवेबल वाले थे उनके साथ सोने पे सुहागा ये होता है कि हम रोड पे ढेर लगाते हैं या गड्ढे में डालते हैं, कोई तो छाता लगाता नहीं है वहां पे बारिश आती है। तो जब बारिश का पानी आएगा, लगातार बारिश का पानी उस पे गिरेगा, तो क्या होगा, जो उसमें सॉलिड फॉर्म में न्यूट्रिएंट है वो पानी के साथ साथ घुल घुल के जमीन के अंदर बह जाएंगे या तो निकल जाएंगे, सीपेज हो जाएंगे। अब उस गोबर में बचा के आपका कुछ भी नहीं बचा, छाछ है वो एक तरह से, ठीक है, कचरे का ढेर है, पॉलीथीन भी है, कचरा भी है, पड़ोसी का बहुत सब कुछ है। तो वो जाके जब हम जैविक खाद के रूप में खेतों में डालते हैं तो वो काम नहीं करता है, वो जाके नुकसान पैदा करता है। तो इसलिए हमें खाद को सही ढंग से सही मायनों में बना के और खेतों तक पहुंचाना चाहिए, तब जाके हमें उसका सही फायदा मिलेगा। और जब हम वर्मी फॉस नाम की खाद बनाते हैं जिसमें गोबर, रॉक फॉस्फेट और अर्थबम होता है, तो उसके साथ जो लिक्विडिटी होती है गोबर की, उस लिक्विडिटी को हम बूंद बूंद करके कलेक्ट करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है। और इस तरह से कुछ हमने अपने खेत पर सिस्टम लगा रखा है, बहुत सारे पिटों को लगा रखा है, और उसमें हमने ऊपर जो है ना घास का शेड बना रखा है। और घास के शेड से हमें दो फायदे होते हैं, एक तो बड़ा टिन शेड लगाने की जो लागत होती है वो बच जाती है, और केंचुआ जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अभी बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं, हमने देखा है बहुत सारे लोग टीन शेड लगा के बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके इस काम को करते हैं, जबकि केंचुए से जाके पूछते भी नहीं है एक बार कि तुम इस व्यवस्था में रह भी पाओगे या नहीं रह पाओगे, और लाखों रुपए का खर्चा कर देते हैं, लोन ले लेते हैं, किस्त चालू हो जाती है, केंचुआ बेचारा काम नहीं करता, फिर हम जो है ना निराश हो जाते हैं और फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो केंचुआ जो है ना प्रकृति का जीव है, इसको नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए, जितना आप नेचुरल एनवायरनमेंट दोगे ये उतना खुश रहेगा। तो हम ऊपर घास का शेड बनाते हैं, ऊपर अपनी सब्जी लगा देते हैं बेल वाली, और नीचे अपना केंचुआ पालन कर लेते हैं, एक पंथ दो काज हो जाते हैं, नीचे हमारा केंचुआ भी सुरक्षित रहता है, खाद भी क्वालिटी की बनती है, और ऊपर हमारी एक सब्जी भी हो जाती है। तो इस तरह से हम ये काम करते हैं, और साथ में इनको गाना भी सुनाते हैं। म्यूजिक थेरेपी पर भी हम लगातार 6 वर्षों से काम कर रहे हैं, और इस पर हमने कई आर्टिकल भी लिखे हुए हैं। आपको मैं बता दूं, इस पूरे विश्व में जो है इंसानों ने तनाव फैला के रखा है, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है। जब तनाव फैला रखा है तो आप तो अपने उपाय सारे कर लेते हो, ठीक है, अगर आपको टेंशन हो गई तो आप अपनी पसंदीदा मूवी फटाफट यूट्यूब पर खोलते हो और देखने लग जाते हो, या फिर कोई पसंदीदा गाना होता है तो वो सुनने लग जाते हो, या फिर कहीं आपको कोई जगह पसंद होती है तो वहां जाके शांति से बैठ जाते हो। बेचारे केंचुए क्या करें, उनको तनाव हो रहा है आपके कारण, पेड़ पौधों को तनाव हो रहा है, वो कहाँ चले जाए टीवी देख ले, फिल्म देखने, भगवान ने तो उनको बोला नहीं कि तुम ये करने जाओ। पर अगर आपको उनसे सही काम लेना है तो उनके तनाव का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि वो तनाव में ना रहे, अगर वो तनाव में रहेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि इनके तनाव को दूर करने के लिए कुछ अभी आर्टिफिशियल हमने तंत्र विस्थापित किया है, और इसमें हमने बहुत सारे रिदम वाले गानों पर प्रयोग किया है, जिसमें हम क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल साउंड देकर इनसे ज्यादा काम करवाते हैं, कुल मिला के इनका तनाव दूर करते हैं। जो केंचुआ 60 दिन में जितना काम करता है, अगर आप इनको क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल साउंड देते हो, साउंड थेरेपी देते हो, तो जो काम ये 60 दिन में करेगा, गाना सुन के ये 45 दिन में कंप्लीट करके आपको दे देगा, ये फायदा होता है। तो ये प्रयोग आपको करना पड़ेंगे, जब आप नेचर के बारे में सोचोगे तब नेचर आपके बारे में सोचेगी, मतलब लेन देन का सिस्टम नेचर में है, जितना आप नेचर के बारे में सोचो नेचर आपके बारे में उतना ज्यादा सोचने लगेगी। तो ये फायदा हमें हुआ। फिर इसके बाद जो हम लिक्विड है वो सारा लिक्विड एक जगह कलेक्ट करते हैं, गोबर के अर्क की मैं ताकत बता रहा हूं, जो अभी हम रोड पर इवापोरेट कर देते हैं, वो ताकत कैसे रिजल्ट देती है, हम सारे जो पिट हैं उन पिटों से सारे गोबर के अर्क को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, और इसको अंडरग्राउंड इकट्ठा करते हैं। अंडरग्राउंड इसलिए क्योंकि अगर हम इसको ऊपर रखेंगे तो फिर वो इवापोरेशन होगा, अभी एक एक जगह से हो रहा था, अब जाके एक जगह से इकट्ठे से होगा। तो हमने अंडरग्राउंड टैंक बना दिया, उस टैंक में पूरे गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं उसके अर्क को, और जाके फिर हम इस पर एक आधा हॉर्स पावर की मशीन रख देते हैं, और फिर इसको लिफ्ट करते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तभी हम ढक्कन खोलते हैं, नहीं तो वो अंडरग्राउंड पैक होता है, ना तो धूप पड़ती है, ना तो छाया पड़ती है, ना तो उस पर कोई भी प्रकार का बाहरी मौसम का प्रभाव पड़ता है। मशीन रख के इसको लिफ्ट करते हैं और बोर के पाइप से जोड़ देते हैं। अब बोर के पाइप से जब हमने जोड़ दिया तो जाके ये फिल्टर बेंचुरी करने की कोई जरूरत, मतलब फिल्टर बेंचुरी से होके जाएगा, और फिर जाके चाहे आप ड्रिप से चलाओ, इसको स्प्रिंकलर से चलाओ, फॉगर से चलाओ,
जो भी विधि आपके पास एरिगेशन के खेत पे है उन सारी विधियों से इसे आप चला सकते हो। पानी के साथ घोल के जब चलाते हैं तो रिजल्ट क्या आते हैं, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये 18 दिन में हमने नर्सरी तैयार की टमाटर की, इस पे हमने प्रयोग किया। इसके बाद जो है हमने इसे ट्रांसप्लांट किया सवा सवा फिट के अंतर से, और बांस और तार की पूरी व्यवस्था से इसे लगाया। फिर जाके ये 3 से 4 महीने के बाद जब फलना चालू हुआ तो नीचे से इसकी कलर, साइनिंग, शेप, साइज से लेकर तमाम सारी चीजें जो है ना आश्चर्यजनक थी। लगातार जो है हम इसको 4 फीट से जब हाइट पे था तब से ये मतलब इस पर रिजल्ट आना चालू हुए थे, फलना चालू हुआ। और लगातार जो है 4 फीट के बाद फिर ये 5 फीट की हाइट पे फला, फिर 6 फीट की हाइट पे फला, फिर 7 फीट की हाइट पे फला, फिर 9 फीट की हाइट पे फला, फिर 10 फीट की हाइट पे फला, फिर 11 फीट की हाइट पे फला, फिर 12 फीट की हाइट पे फला, फिर 13 पे फला, और फिर जाके 14 पे हमने इसकी मैक्सिमम हाइट ले गए ओपन में, खुले वातावरण में, और 32 किलो एक पौधे से टमाटर निकालने का रिकॉर्ड बना। तब हमको समझ में आई कि जिस चीज को हम उड़ा देते हैं, रोड पर ढेर लगा के कोई इज्जत नहीं करते हैं, उससे हम धमाकेदार प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। क्योंकि हमें समझ नहीं आता, हमें बताया नहीं गया कि गोबर में इतने सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, इसे बहने ना दो, इसे एवापरेट ना होने दो। अगर हम इसकी सही ताकत के साथ में काम करते हैं तो आपको रिजल्ट की तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेचर इतना पावरफुल है कि आपकी ताकत के आगे उसकी ताकत, आपकी ताकत उसकी ताकत के आगे आपकी ताकत नगण्य है, कुछ भी नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, जैविक के तंत्र को समझने की जरूरत होती है। हम अगर इसको समझ गए तो प्रोडक्टिविटी एक सामान्य बात हो जाती है, बहुत छोटी बात हो जाती है। इसके बाद बहुत सारी फसलों पर, अलग अलग फसलों पर बहुत अलग अलग तरीके से रिजल्ट लिए। बैगन की फसल पर काम किया, पान की फसल पर काम किया, अरहर की फसल पर काम किया। ये सीड बैंक में एक वैरायटी है हमारे पास जो एक बार लगाने पर 5 साल तक लगातार फलती है, और लंबी फल्ली, बोल्ड दाना, 6 दाने तक एक फल्ली में सेट होते हैं। 8 से 10 क्विंटल की प्रोडक्टिविटी साल में 2 बार कटती है, और 6 साल तक 7 साल तक भी आप इसे लगातार चला सकते हो। तो ऐसे जो बीज हैं हमारे परंपरा में उन पर भी काम कर रहे हैं, और इनकी अच्छी जबरदस्त यील्ड भी ली है। अब हम मोनोक्रॉपिंग कल्चर की बात करते हैं, जो भारत में 90 to 98% लोग काम करते हैं। धान उग रही है तो धान ही धान साहब उग रही है, गेहूं उग रहा है तो गेहूं उग रहा है। तो ये मोनोक्रॉपिंग कल्चर का मॉडल है जिसमें हम केवल एक ही फसल उगाते हैं। ये मिक्स क्रॉपिंग का कल्चर है जिसमें हम एक फसल के साथ में दूसरी फसल को मिक्स करके उगाते हैं। तो ये बहुत थोड़ा थोड़ा कम होता है हमारे देश में, लेकिन इस पैटर्न पे काम आपको करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा इसमें रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कुछ तो भी प्रैक्टिस में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज एक साथ एक ही सिंगल फसल कभी नहीं लगाया करते थे, वो हमेशा मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग के कल्चर पर काम किया करते थे। और अगर हम नेचर को ढंग से समझने जाएं और प्रोडक्टिविटी को ढंग से समझना है तो जंगलों पर आप अपनी नजर 10 मिनट टिका लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर इंसान की कोई अप्रोच नहीं है, ना तो खाद है, ना तो पानी है, ना तो दवाई है, ना तो मेंटेनेंस है, ना तो और भी कुछ व्यवस्था है, और वो हमसे बेहतर है, हमसे बेहतर है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो है अपने आप में सारी रिसाइकलिंग की प्रोसेस के साथ साथ कई तरह के पौधों के साथ में बढ़िया तरीके से वहां पर ग्रोथ कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी भी दे रहे हैं। तो ये सब मोनोक्रॉपिंग का खेल नहीं है, ये मल्टी क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग का खेल है जो जंगलों में हमें बहुत घने जंगलों के रूप में, परिणाम के रूप में दिखता है। तो इसके बाद जो है इंटरक्रॉपिंग का एक मॉडल होता है जिसमें हम एक फसल के साथ में दूसरी फसल को इंटर कर देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि पानी की बचत होती है, प्रोडक्टिविटी में 10 से 15% का इजाफा होता है, और मौसम परिवर्तन के जो प्रभाव हैं वो फसलों पर पॉजिटिव वे में पड़ते हैं। कवर क्रॉप के रूप में दूसरी फसल जो है ना काम करती है। तो ये इंटरक्रॉपिंग का कमाल है। फिर इसके बाद सबसे जो बहुमूल्य मुद्दा है या जिसको समझने के लिए आप यहां पर बैठे हैं, बहुपरत खेती, मल्टी लेयर फार्मिंग, क्यों जरूरत है इसकी, सीधी बात करते हैं। जरूरत इंसान को तभी होती है जब समस्या होती है, बिना समस्या के तो कोई चीज की जरूरत हमें महसूस ही नहीं होती है। और समस्या ये है, समस्या एक नहीं है, समस्या बहुत सारी है। नंबर एक, पानी की समस्या निरंतर हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है, और इसके जीते जागते उदाहरण आप सभी लोग हैं। हमें पता है कि हमारे पूर्वज जब खेती किया करते थे, जिन कुओं में 20 फीट पे पानी था, आज वो जाके 200 फीट पे पानी पहुंच गया है, और हम रत्ती भर भी उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, दूसरी मशीन बुलाते हैं, फिर होल करते हैं, फिर हम तीसरी मशीन बुलाते हैं, फिर होल करते हैं। ये एक बात की तो चिंता कभी करते ही नहीं है कि पानी का जल स्तर क्यों निरंतर गिरता चला जा रहा है, और इसका समाधान क्या है, और कौन करेगा इसे। तो अगर पानी की समस्या आपके पास है तो इसे करना चाहिए।
दूसरी बात है इसमें लिखी है वीड प्रॉब्लम, खरपतवार की समस्या आज सभी की है, कॉमन। देश का नौजवान जितने भी किसान हैं हमारे, वो सब अगर सब्जी उगाने की खेती वो करते हैं तो सबके पास जो है ना ये मूलभूत समस्या है खरपतवार, घास। जैसे ही हम फसल खेत में लगाते हैं और घास उगाती है और फिर घास जो है ना ज्यादा भोजन खा जाती है और फसल जो है ना हमारी खराब कर जाती है। तीसरा प्रॉब्लम है इंसेक्ट। जो लोग जैविक खेती करते हैं उनके लिए ये बड़ा चैलेंज है कि हम अपने कीड़ों को कैसे कंट्रोल करें। पहली बात तो ये है कि हम नेचर को नहीं समझ पाते कि कौन सा जीव हमारे लिए लाभकारी है, कौन सा जीव हानिकारी है, और कौन से जीव को कब होना चाहिए हमारी फसल के पास में, और कौन से हानिकारक जीव को हमारे बायोडाइवर्सिटी का पार्ट होना चाहिए, तो ये हमें समझ नहीं आता। तो इंसेक्ट की अगर प्रॉब्लम है, कीड़ों की अगर समस्या है, इसे कैसे दूर किया जाए, तो एक समाधान है अगर आप मल्टीलेयर फार्मिंग करते हैं तो कीड़ों की समस्या का समाधान 70% तक ऑटोमेटिकली होता है। फिर इसके बाद है मैन्योर प्रॉब्लम, खाद। हमारा देश आज जैविक खेती को पूरी तरह क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे पास बहुतायत में बायोमास उपलब्ध नहीं है। हम आज हिंदुस्तान में अगर जैविक खेती को करना चाहते हैं, और जब जैविक खेती भारत में होती थी, अगर उस व्यवस्था पर जाएं, उस समय काल पर जाएं, तो उस जमाने में जो है एक जमाना था जब देश में 6 करोड़ लोग थे और 3 करोड़ गौवंश था। एक समय ऐसा था भारत जब देश को समृद्ध और सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर हम उस इतिहास को पलट के देखें, तो अगर हम उसका कॉपी करने की बात यहाँ पर करें कि अगर वो समृद्धि वापस लाना चाहते हैं, भारत को पुनः सोने की चिड़िया करना चाहते हैं, और वो जैविक खेती से संभव है, पर 150 करोड़ की आबादी के भारत में, 125 करोड़ की आबादी के भारत में 250 करोड़ गौवंश हमको चाहिए है। और आज की स्थिति यह है कि 3 से 4 करोड़ गौवंश हमारे देश में है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास उतनी बहुतायत में बायोमास उपलब्ध ही नहीं है जिसकी बदौलत हम जैविक खेती को एकदम से झटके से कर पाए। तो अब बात यह है कि जब बायोमास उपलब्ध नहीं है तो क्या हम उसके इंतजार में रहेंगे कि जब इतना बायोमास हो जाएगा तब जाके हम जैविक खेती करेंगे? नहीं, ये गलत रास्ता है। सही रास्ता ये है कि आपको दोनों दिशा में काम करना पड़ेगा, बायोमास को बढ़ाने की दिशा में भी काम करना पड़ेगा, और कम बायोमास में कैसे खेती कर सकते हैं उस आइडिया पे भी काम करना पड़ेगा। तो लेयर फार्मिंग में सीधा जंगल वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। जंगलों में आपने देखा होगा पेड़ पौधे पशु, मतलब जो है घास से लेकर छोटे बड़े से लेकर बड़े बड़े वृक्ष एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर सहजता से उगते हैं। ना तो किसी को खाद चाहिए पड़ता, ना तो किसी को पानी चाहिए पड़ता, ना तो किसी को दवाई चाहिए पड़ती, कुछ नहीं चाहिए पड़ता हमसे। मतलब केवल इंसान की पहुंच नहीं चाहिए, केवल इंसान की पहुंच नहीं चाहिए, बाकी उनको जो है नेचर अपने आप से सस्टेन करता है। और सारे पौधे बड़े से लेकर छोटे से लेकर और छोटे से लेकर और घास से लेकर बिना खाद पानी के वहां पर उगते हैं। इसका मतलब यह है कि नेचर में वो पावर है जो अपने आप से सस्टेन प्लांट को कर सकती है। पर वहां पर कंपेनियन प्लांटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो काम करता है। इसका मतलब यह होता है कि एक साथ अगर आप कुछ पौधों को लगा देते हैं तो एक पौधे के जो अवशेष होते हैं, जो अवशिष्ट होते हैं, वो अवशिष्ट दूसरे पौधे को डाइट के रूप में काम करते हैं। और अगर आप जब मल्टीलेयर फार्मिंग करते हो तो एक फसल तो वहां पे लगाते नहीं हो, मल्टीलेयर फार्मिंग का ही मतलब होता है एक से अधिक फसल लगाना। तो जब हम एक से अधिक फसल लगाते हैं तो फसलों का कुछ चुनाव ऐसा करते हैं कि जहां पर एक बड़ा पौधा है उसके साथ में छोटा पौधा है, उसके साथ में और छोटा पौधा है, तो छोटे पौधे की जो अवशिष्ट है वो थोड़े बड़े पौधे को मिल रही, जो थोड़े बड़े पौधे के अवशिष्ट है वो और बड़े पौधे को मिल रही, और जो और बड़े पौधे के अवशिष्ट है वो और बड़े पौधे को मिल रही। इसका मतलब यह है कि भोजन की जो पूर्ति है वो आपस में छोटे बड़े से पूर्ति हो जा रही। इसका मतलब तो यह है कि हमें खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं है। और यही हमें जंगल सिखाते हैं कि जंगलों में भी कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है, और वहां पर बड़े पेड़, उससे छोटे पेड़, उससे छोटे पेड़, और उससे छोटी घास वहां पर उगती है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। मतलब हमें रास्ता मिल गया, कम खाद में भी हम काम अपना निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है जमीन की प्रॉब्लम, मल्टीलेयर करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दिन प्रतिदिन भारत में आबादी बढ़ती चली जा रही है, जमीन का रकबा धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है, और पूरे हिंदुस्तान को क्वालिटी ऑफ फूड की डिमांड है। हर व्यक्ति को चाहिए कि हमें जो है ना अच्छा अन्न मिले, और उस अच्छे अन्न के लिए हमें कुछ तो भी ऐसा करना पड़ेगा जहां पर हमें ये तीनों समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर मिल जाए। मतलब कम जमीन में उत्पादन भी बढ़ जाए, क्वालिटी ऑफ फूड मतलब जैविक अन्न भी पैदा हो जाए, और मतलब जो है उत्पादन में हमारी कोई कमी ना रहे। ठीक है, ये तीनों चीजें चाहिए।
बढ़ती आबादी के लिए भोजन की व्यवस्था, क्वालिटी ऑफ फूड की व्यवस्था और प्रोडक्टिविटी की व्यवस्था, ये तीनों व्यवस्थाएं आपको अगर जमीन कम होती चली जा रही है तो लेयर फार्मिंग करके ये आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद होता है वेदर का बैड इफेक्ट, मौसम के बुरे बदलाव के कारण हमारी फसलें खराब होती हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग इसका समुचित एक साथ एक मंच पर समाधान लेके आपके पास आता है। फिर इसके बाद विंड की जो प्रॉब्लम होती है, विंड में जो है गर्म हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, लेबर की प्रॉब्लम और लगातार बढ़ती जा रही कृषि में लागत, ये सब चीजें अगर आपके बीच में समस्या के रूप में है तो आपको मल्टी लेयर फार्मिंग करने की आवश्यकता है। अब ये है क्या चीज, इसको दो लाइन में समझ लेते हैं। नंबर एक लाइन, जैसे कि शहरों में जगह कम पड़ती है तो हम क्या करते हैं, 1000 स्क्वायर फीट जमीन पर एक बिल्डिंग बनाते हैं और फिर उसमें फ्लैट बनाते हैं। तो मतलब गांव में तो आपने घर देखे होंगे, कोई मंजिला घर नहीं बनाता, एक ही बनाते हैं बड़ा सा, चाहे भले चाहे 5000 स्क्वायर फीट में ठोक दे। लेकिन 5000 स्क्वायर फीट अगर जमीन किसी शहर में है तो पता चला उसमें 25 घर बन जाएंगे 5000 स्क्वायर फीट में, एक के ऊपर एक बना देते हैं। तो जो एक के ऊपर एक बनाने की, घर बनाने की जो तकनीक है जिसे हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फार्मूला कहते हैं, वही फार्मूला हमने खेतों में तैयार किया मल्टी स्टोरी फार्मिंग का, जिसमें हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर फसल उगाते हैं। अब वो कैसे उगाते हैं वो आपको एक एक करके समझाते हैं। अभी इसमें दो भी उगाते हैं, जैसे एक फ्लैट जब बिल्डिंग बनती है ना तो दो फ्लैट की भी बनती, तीन फ्लैट की भी बनती, चार की भी बनती, पांच की भी और 25 की भी बनती है। लेकिन अभी यहाँ पर जो खेतों में लेयर है वो 5 लेयर तक अभी हम करते हैं और छठवीं पर अभी लगातार काम चल रहा है, पर 5 लेयर तक सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, जिसका मॉडल आपके सामने हम पेश करते हैं। सबसे पहले नंबर हम खेत की तैयारी करते हैं और खेत की तैयारी में 100 किलो चूने की डस्ट, 50 किलो नीम का पाउडर डालकर इसे ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि हर फसल जब आप खेत में लगाते हो और फसल को खेत से बाहर निकालते हो तो फसल में अवशेष छूट जाते हैं, उन फसलों के रेसिड्यू छूट जाते हैं, और अगर हम दोबारा वही फसल या उसके समकक्ष कोई फसल लगाते हैं तो वो फसल प्रोडक्टिविटी पर नहीं आती है, क्योंकि उसकी ढेर सारी बीमारियां, ढेर सारे रेसिड्यू काम करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हर बार फसल खेत से हटाने के बाद हमें मिट्टी को ट्रीट करना चाहिए, और ट्रीटमेंट करने के लिए 100 किलो चूने की डस्ट और 50 किलो नीम का पाउडर अगर आप प्रति साल प्रति एकड़ डाल के सामान्य पीएच की मिट्टी पर अगर डालते हैं और मिट्टी को वापस जोतते हैं तो मिट्टी का ट्रीटमेंट होता है, न्यूट्रल होती है मिट्टी, और फिर आप इसमें जो भी मॉडल लगाना चाहें वो इसमें लगा सकते हैं। तो फील्ड तैयार करने के बाद एक हम पौधों को उगने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। देखो इंसान अपने लिए सुविधाओं के लिए क्या क्या नहीं करता, ठीक है, उसने पॉल्यूशन इतना किया तो मास्क लगा के घूमने लगा, उसने जो है टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो घर में एसी लगा के बैठने लगा, मतलब जो भी तकलीफ होती है वो समाधान लेके और इंसान बैठ जाता है। लेकिन अगर ये तकलीफ, इसी तकलीफ में पेड़ पौधे भी हैं, इसी तकलीफ में जो है ना जीव जंतु भी हैं, लेकिन इनके लिए कोई सुख सुविधा नहीं है। हम अपनी सुविधा तो ठंड लगती है स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी लगती है छाए में बैठ जाते हैं, बारिश आती है छाता ले लेते हैं, हर तरह की सुविधा हमारे पास अवेलेबल होती है। लेकिन इस बदलते मौसम में फसलों के लिए कोई सुविधा नहीं है, और ये बात आपको मानना पड़ेगी आज की तारीख में कि जिस तरह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, एनवायरनमेंट का जो स्टेटस है वो बिगड़ता चला जा रहा है, और इस बिगड़ते एनवायरनमेंट में पौधों पर इसका प्रभाव गहरे से पड़ता है, और वो खासकर सब्जी वाली फसलों पर पड़ता है, जो नाजुक फसलें होती हैं, वेजिटेबल क्रॉप होती हैं, उन पर पड़ता है। तो उसके लिए क्या आपको ये जरूरी नहीं लगता कि इनके लिए भी कोई एक अनुकूल वातावरण हम दें? जैसे जब हम अपनी प्रोडक्टिविटी या हम अपने से काम करने की क्षमता या अपनी क्षमता का काम भरपूर तरीके से तब कर पाते हैं जब हमें एक सामान्य परिस्थिति मिलती है, ठीक है, अनुकूल भोजन मिलता है, अनुकूल धूप मिलती है, अनुकूल छाया मिलती है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तो हम अपने काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और अगर विपरीत परिस्थितियों में आपको खड़ा होकर काम करवाया जाए तो शायद मुश्किल होगा, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं दे पाएंगे। ठीक इसी तरह पौधे भी विपरीत मौसम की परिस्थितियों में प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग जो है ना प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के सहारे काम करते हैं, और प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में आज इतनी महंगी टेक्नोलॉजी है कि किसान की बस की बात नहीं है। एक मार्जिनल फार्मर तो अपनी जमीन भी बेच दे तो भी वो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में नहीं जा सकता। तो उसका एक संरक्षित खेती का सस्टेनेबल विकल्प क्या है, या एक अनुकूल वातावरण हम पौधों को कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, या आपको बनाना चाहिए। क्योंकि जब आपको अपने अनुकूल वातावरण में काम करने में सहजता फील होती है तो पौधों से भी अगर आपको प्रोडक्टिविटी लेनी है तो उनके लिए भी एक अनुकूल वातावरण देने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम एक घास फूस का
जो हमारे पास नेचर ने, कुदरत ने जो चीजें दे रखी हैं, उनका सहारा लेते हुए एक सस्टेनेबल एक घर तैयार कर देते हैं पौधों का, जिसमें पौधे सहजता के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को मौसम के विपरीत परिस्थितियों में देते हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। इसमें हम क्या करते हैं, 5x6 पर कोई भी लकड़ी आपके खेत में अवेलेबल हो, 9 फिट की हाइट की हो, 1.25 फिट की विड्थ की हो या फिर बांस हो, इनमें से कोई भी चीज आप लेकर 5x6 के पैरामीटर पर इसे हम लगाते हैं, 1 एकड़ में लगभग 1450 के आसपास बैम्बू लगते हैं, 9 फिट हाइट के होते हैं, 1 से 1.25 इंच विड्थ होती है और जो है 5x6 पर इन्हें हम लगाते हैं। इसको लगाने के बाद हम चारों तरफ एक बैम्बू की बॉर्डर तैयार करते हैं। जैसे ये जो मंडप खड़ा है, इस मंडप को खड़ा करने के लिए पहले ये पिलर हैं और पिलर के सहारे चारों तरफ एक बॉर्डर डाली गई है, जिसको जिसने एक पिलर को दूसरे पिलर से जोड़ रखा आपस में। तो हम चारों तरफ बैम्बू के एक बॉर्डर डालते हैं 6.5 फिट की हाइट पे और फिर उसके बाद जो है ना बाहर से उसके स्टे करते हैं। जैसे ये जो मंडप खड़ा हुआ है या कोई भी तेंबू आपने देखा होगा, वो खड़ा क्यों होता है, क्योंकि उसको चारों तरफ से स्टे दिए जाते हैं, चारों तरफ से खींच के उसको बांध दिया जाता है बाहर की तरफ, ताकि वो हवा में उड़े ना। तो इसी तरह से इस बैम्बू को हम चारों तरफ से खींच के स्टे दे देते हैं और ये विंड के किसी भी डायरेक्शन में भागता नहीं है। तो ये करने से ये स्ट्रक्चर कितनी भी आंधी में, कितने भी तूफान में टिका रहता है। और फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक 16 गेज का वायर लेते हैं जो स्ट्रेट बैम्बू टू बैम्बू बांध देते हैं और फिर उसके क्रॉस में 20 गेज का वायर लेते हैं जो आधा आधा फिट की दूरी से बांधते हैं। कुल मिला के ये एक पूरी तरह से जाला तैयार होता है और उस जाले पर हम जो है खरपतवार के रूप में जो हमारी एक घास होती है, जो सहजता में पूरे हिंदुस्तान में किसी ना किसी रूप में लोगों के पास अवेलेबल है, कहीं तो धान के पैरे के रूप में अवेलेबल है, कहीं घास के रूप में अवेलेबल है, कहीं जो है सन के रूप में अवेलेबल है, कहीं ढेंचे के रूप में अवेलेबल है, तो कहीं तमाम तरह की घासें हैं, नारियल के पत्ते के रूप में अवेलेबल है, जो भी है आपके पास, जो कुदरत ने आपके आपके इलाके में दे रखा है, उसका इस्तेमाल करके हम आधी धूप और आधी छाया का एक अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। तो इसमें हमने ये घास डाली हुई है जो खरपतवार की तरह खेतों की मेड़ों पर सहजता से उगती है बरसात में और हम इस पर वीडीसाइड डाल के उसे खत्म कर देते हैं। हम उसे खत्म नहीं करते, उसे बढ़ने देते हैं और काट के उसको सुखा के गट्ठे बना के साइड में रख लेते हैं और फिर जाके उसे पतला पतला ऊपर जाके फैला देते हैं। तो इससे क्या होता है, आधी धूप और आधी छाया का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और प्रॉपर वेंटिलेशन बढ़ा रहता है, आधी धूप आती है, आधी छाया रहती है, फिर जाके हम इसमें अपनी फसल लगाते हैं तो बहुत सहजता से ऑफ सीजन में हमारी फसलें उगती है। जो फसल का सीजन नहीं होता उसके बाद भी वो फसल हम इसमें उगा लेते हैं, जो महंगे टेक्नोलॉजी या महंगे पैसा खर्चा करने के बाद जो आप काम कर पाते हो, उससे बेहतर 4 गुना काम हम इसमें अपने घास फूस वाले सिस्टम से कर लेते हैं। अब देखो, ये सबसे पहले नंबर डबल क्रॉपिंग का हमने यहाँ पर सेटअप किया और इसमें हमने क्या किया, ये जो मंडप बनाया ऊपर घास का, इस पे आपको एक लता वाली फसल दिख रही होगी, जो बांस है 1450 जो बांस लगाते हैं हम 1 एकड़ में, उसी के सहारे हम एक लता वाली फसल को बांस के सहारे या लकड़ी के सहारे मंडप पर ले जाते हैं, जो करेले के रूप में होती, लौकी के रूप में होती, गिलकी के रूप में होती, तोरई के रूप में होती है, पड़ोरा के रूप में होती है, परवल के रूप में होती है या कुंदरू या ककड़ी के रूप में होती है। तो लता वाली फसल को हम ऊपर ले जाते हैं और एक फसल हम जमीन के नीचे लगाते हैं। तो ये डबल लेयर का मॉडल है जिसमें हमने नीचे टमाटर की फसल लगाई हुई है और ऊपर हमने एक लता वाली फसल लगाई हुई है। तो अक्सर जो है किसान जो है अगर गर्मी में टमाटर उगाना चाहता है तो वो फरवरी में लगाता है और फरवरी में लगाता है तो मार्च तक तो ठीक है, अप्रैल तक ठीक है, मई और जून में जो है ना बहुत बुरी हालत से उसे गुजरना पड़ता है, लपट चलती है, तेज गर्म हवाएं चलती हैं जिससे टमाटर में वाइट वाइट कलर के दाग आ जाते हैं, जल जाते हैं और फूल झड़ने लगते हैं, फसल में प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। और जब हम फरवरी में इसमें टमाटर लगाते हैं तो जुलाई तक बिना एक भी फूल झड़े टमाटर इसमें लगते रहते हैं और ऊपर भी एक फसल होती रहती है। तो 2 लेयर में आप बिना मौसम के या मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी इसमें अपनी फसल को उगा लेते हैं। फिर हम बात करते हैं 3 लेयर की, तो इसमें हम क्या करते हैं, जमीन के नीचे सबसे पहले नंबर एक कोई कंद वाली फसल को लगाते हैं, जैसे कि अदरक है, हल्दी है, कचूर है, अरबी है, ये सब चीजें, और फिर इसको जमीन से ढक देते हैं। और जमीन से जब हम कंद वाली फसल को 2 इंच की गहराई पे लगा के ढक देंगे तो नेचुरल सी बात है कि अगर आप फसल लगा के मिट्टी से ढक दोगे, और अभी हम बात कर रहे हैं इसको मॉडल को लगाने की फरवरी में, जब हम फरवरी में ये पैटर्न सेट करते हैं तो उस समय पे ऑफ सीजन होता है अरबी लगाने का भी, कचूर लगाने का भी, हल्दी लगाने का भी और अदरक भी लगाने का। ये सारी कंद वाली फसलें आपकी मई जून के महीने में देश भर में लगती हैं। जब हम ऑफ सीजन फसल को लगाते हैं तो ये लगभग 2 महीने के आसपास में जमीन के ऊपर निकल के आ पाती है।
तो अब होता क्या है कि जब जमीन के ऊपर 2 से 2.5 महीने में फसल ऊपर निकल के आएगी, तब तक हम क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं करेंगे तो खरपतवार आएगा। इंसानों के दिमाग जैसा है, अगर आप अपने आप को फ्री रखोगे तो कुछ ना कुछ विचार आपके दिमाग में आता रहेगा, और अगर आप अपने आप को, अपने दिमाग को किसी काम में लगा के रखोगे तो कोई भी विचार आपके दिमाग में नहीं आ पाएगा, मतलब आपके दिमाग में कोई खरपतवार नहीं आएगा। अगर हम मिट्टी को भी पूरी तरह से ढक के या व्यस्त करके रखते हैं, बिजी करके रखते हैं, तो कोई खरपतवार नहीं आता। और इसके लिए हम क्या करते हैं, पत्ती वाली सब्जी जैसे मेथी हुआ, पालक हुआ, धनिया हुआ, चौलाई हुआ, जिनकी बहुत फास्ट ग्रोइंग है, ये 10 से 15 दिन के अंदर मिट्टी को पूरा शेडो कर लेती हैं, लगभग 20-22 दिन के अंदर ये जमीन के पूरे सरफेस को ढक लेती है। और जमीन के जब पूरा सरफेस ढक जाता है तो 3 बड़े फायदे होते हैं। नंबर 1, पहला तो जमीन का सरफेस ढकने से कोई खरपतवार नहीं निकल के आ पाता। जो ये फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये 15 से 18 दिन का सीन है, जब हमने नीचे अदरक या हल्दी की फसल को लगाया, उसके सरफेस पर हमने पत्ती वाली सब्जी को डाला, तो पत्ती वाली सब्जी ने 15 से 20 दिन के अंदर पूरे जमीन के सरफेस को ढक लिया। अब जमीन का सरफेस जब ढका गया तो कोई भी खरपतवार को निकलने के लिए स्पेस नहीं बचा, और जब खरपतवार निकलने के लिए स्पेस नहीं बचेगा तो खरपतवार की समस्या खत्म हो गई। अभी हम खरपतवार को निकालने में आधी एनर्जी, आधा पैसा और आधा दिमाग और आधा समय खर्च करते हैं। अभी यहाँ पर खरपतवार को निकालने के लिए कोई समय खर्चा नहीं करना, बल्कि वहां पर अगर समय खर्चा करते हो तो 2 पैसे की इनकम होगी आपको, ठीक है। अब दूसरा फायदा ये होता है कि जो है, जब हम पत्ती वाली सब्जी को लगाते हैं और जब डेंसिटी में पत्ते से पत्ते सट जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मिट्टी दिख रही है आपको खेत में, नहीं दिख रही। और जब मिट्टी नहीं दिख रही तो सनलाइट तो पहले हमने 50% ऊपर ही रोक ली, और 50% सनलाइट जो है ना जमीन पे नहीं पड़ने दी, मतलब 50% ऊपर रुक गई और पत्तियां पत्ती से सट गई, पत्तियां आपस में सड़ गई, तो नीचे मिट्टी पे सनलाइट नहीं पड़ रही। जब मिट्टी पे सनलाइट नहीं पड़ेगी तो एक बड़ी प्रक्रिया जिसे हम दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी में नहीं रोक सकते, वो इसमें रुक जाती है, वो है एवापोरेशन, पानी का वाष्पीकरण। खुले खेतों में जो आज किसान खेती करते हैं वो जानते हैं इस बात को, आज अगर हमने खेत में पानी लगाया तो 3 दिन के बाद जो है ना वो पानी का कुछ हिस्सा जमीन के अंदर, कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा प्लांट को, और बाकी का हिस्सा पानी एवापोरेट हो जाता है, मौसम में उड़ जाता है धूप और हवा के कारण, वो हम नहीं रोक पाते। लेकिन इसमें जब पत्ती वाली सब्जी होती है और डेंसिटी में पत्ते से पत्ते सटे रहते हैं, तो मिट्टी पर धूप की किरणें पड़ती नहीं है, और मिट्टी पर जब धूप की किरणें नहीं पड़ती हैं तो पानी का एवापोरेशन है वो 70 से 80% तक रुक जाता है। और अगर 70% उड़ने वाले पानी को आपने रोक लिया तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि 30% पानी में आपने 4 फसलें उगा ली, और इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एक फसल को उगाने के लिए कुल 6% पानी की आवश्यकता है। और अगर आप इसी बात को इस ढंग से कह दो कि एक फसल में आपने कितना पानी बचाया, तो 93% 94% तक पानी बचाया, मतलब आप 90% तक पानी की इस मॉडल में बचत कर सकते हो एक फसल को उगाने के लिए। कुल 30% पानी में हम इस फसल को उगाते हैं, तो पानी की भी बचत हो गई, ठीक है। या जिन किसानों के पास बहुत कम पानी है वो भी इस काम को कर पाएंगे। अभी हम कुओं में झांक के देखते हैं, उन्होंने कहा भाई साहब जो है ना 1 इंची का पानी है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास 1 इंच का भी पानी है तो आप 1 एकड़ में सहजता के साथ में काम कर सकते हो, बहुत आसानी से पानी की बचत हो गई, खरपतवार बच गया। अब तीसरा जो खर्चा किसान का होता है, टू बी प्रैक्टिकल, आप सभी लोग जानते हैं जो खेती कर रहे हैं वेजिटेबल की, कि 1 एकड़ की निदाई गुड़ाई का खर्चा कम से कम 25-30 हज़ार रुपए होता है साल भर का, अगर वो सब्जी उगा रहा है तो। और 25-30 हज़ार रुपए के खर्चे में कमर टूट जाती है, अगर 1.5 लाख रुपए की भी फसल पैदा हुई तो आधा खरपतवार मैनेज करने में जाता है, आधा जो है आपको निदाई गुड़ाई में मैनेज करने में जाता है, दवाइयों में जाता है, सब मिला के 1.5 लाख रुपए में से 10 हज़ार रुपए किसान के हाथ में बच पाता है। बड़ा मतलब बहुत मुश्किल फिगर होता है कि उसके पास 2 लाख 1 लाख की आमदनी हो जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब जमीन पे पत्ती वाली सब्जी हमने लगातार घनी मात्रा में बो रखी है, तो इससे क्या होता है कि कोई भी खरपतवार नहीं निकला तो वो तो एक फायदा हो गया, दूसरा पानी का एवापोरेशन रुक गया, तीसरा हम क्या करते हैं कि इसे बहुत डेंसिटी में बोते हैं, घनत्व में बोते हैं, और इसे हम जो पौधे बड़े हो जाते हैं उनको एक एक करके उखाड़ते रहते, काटते नहीं है।
काटेंगे तो इनकी जड़ें अदरक की जड़ों को परेशान करेंगी। तो हम क्या करते हैं, जड़ समेत जो पौधा बड़ा होता जाता है उसको हम निकालते जाते हैं, और जब हम उसको निकालते हैं तो हर बार जैसे ही पेड़ उखाड़ोगे हर बार मिट्टी उखड़ेगी, और हर बार मिट्टी उखड़ेगी मतलब निदाई गुड़ाई का जो खर्चा है वो हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको अलग से कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सो 25-30 हज़ार रुपये निदाई गुड़ाई का खर्चा बचा लेते हैं, पानी बचा लेते हैं और खरपतवार बचा लेते हैं, तीन फायदे इससे हो जाते हैं। अब हमने क्या किया, जो शेड बनाया शेड पे हमने एक लता वाली फसल लगा दी, तो लता वाली फसल क्या करती है, ऊपर जाके मंडप पर पूरा शेड कर लेती है, और जब मंडप पर शेड करती है तो ऊपर वो फलती भी है और नीचे की फसल को प्रोटेक्शन भी देती है। तो ऐसा करके हमारी ये तीन फसलें हो जाती हैं, और फिर चौथी फसल के रूप में हम यहाँ पर पपीता लगाते हैं, और पपीते के रूप में हमारी चौथी फसल सबसे टॉप फ्लोर पर होती है, फोर्थ फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर हमारी लता वाली फसल होती है, और सेकंड फ्लोर पर हमारी पत्ती वाली सब्जी होती है, और ग्राउंड फ्लोर पर हमारा अदरक या हल्दी होती है। मतलब आप एक ही जगह का इस्तेमाल करते हैं और उसी जगह पर जमीन के सरफेस पर पत्ती वाली सब्जी उगाते हैं, उसके थोड़े ऊपर जो है आप जो है लता वाली फसल उगाते हैं, और उसके ऊपर आप फल वाले के रूप में आप पपीता या सहजन की फसल को उगाते हैं। इस तरह से एक ही जमीन पर एक साथ आप चार फसलें उगा के पानी, खरपतवार और तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो सब आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मतलब एक ही मंच पर इसका समाधान आपको मिल जाता है। अब इस मॉडल में सबसे जो खास बात है वो ये कि पहली बात तो ये है कि ये मौसम परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में सक्षम है। कितनी भी धूप पड़ जाए, 50 डिग्री का तापमान क्यों ना हो जाए, आपकी फसल शेड के अंदर झुलस नहीं सकती किसी भी कीमत पे। पिछले 7-8 सालों में हम काम कर रहे हैं, आज तक एक भी फसल के फूल नहीं झड़े गर्मी के समय में। टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 10 डिग्री कम होता है अंदर का टेम्परेचर, ठीक है, तो हमारी बेमौसम फसल हो जाती है। इसके बाद एक और बड़ा फायदा ये होता है कि तेज गर्म गर्मी पड़ जाए, तेज ठंडी पड़ जाए, जैसे सामान्यतः हमारे बुंदेलखंड में और एमपी में और बाकी के कुछ इलाके हैं उत्तर भारत और इधर साइड नॉर्थ में, तो वहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ने से फसलें ख़राब हो जाती हैं, पाला लग जाता है, जिसे हम ठंड कहते हैं, पाला कहते हैं। वो पाला इसमें नहीं लगता क्योंकि जो फसल आपकी ऊपर शेड पे होती है, घास जो होती है वो नीचे जो है एक उमस के वातावरण को बना के रखती है, तो नीचे की फसल में कभी पाला नहीं लगता, तो पाले से भी बच जाते हैं, तेज गर्म से भी बच जाते हैं, और तेज हवाओं के प्रेशर से भी बच जाते हैं। कोई भी फसल तेज हवाओं के प्रेशर से प्रभावित होती है जब हम इसको चारों तरफ से ऊपर से ढक देते हैं और बाजू की दीवारों से साड़ी की बाउंड्री वॉल बना के ढकते हैं, तो बाहर की हवाओं का प्रेशर हमारे खेत की फसलों पर नहीं पड़ता, और जब बाहर की हवाओं का खेत पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो किसी भी मौसम में हमारी फसल टिकी रहेगी। और इसके साथ में और भी कई फायदे होते हैं, जैसे जब हम साड़ी की बाउंड्री वॉल लगाते हैं तो बाहर की तेज गर्म हवाएं, तेज ठंडी हवाएं, तूफान के माध्यम से आने वाले खरपतवार के बीज और दूसरे के खेत से उड़ के आने वाले छोटे छोटे कीड़े वो सब बाहर ही रुक जाते हैं, और साथ में छोटे मोटे जानवरों से भी सुरक्षा व्यवस्था हमारी हो जाती है, और साथ में पूरी तरह से पौधों का एक कंप्लीट घर तैयार होता है, जिसमें दीवारों से तमाम तरह की जो मौसम के बदलाव या सुरक्षा व्यवस्था की बात है वो पूर्णतः बिना पैसा खर्चा किए हो जाती है। और फिर अंत में अगर इस मॉडल की खूबसूरती की बात करें तो ये पूरी तरह से बायो डिस्पोजेबल है। आज दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, पहली बात तो ये है कि वो सस्टेनेबल नहीं है, वो स्वावलंबी नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी देती है कि आपको यहाँ से लेना पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो इससे किसान जो कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन जो मार्जिनल फार्मर है, जो छोटा लघु सीमांत किसान है, आज उसके बस की बात नहीं है कि वो जाके 2 लाख 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्चा करके कोई टेक्नोलॉजी को खरीदे। तो उसके एवज में हम क्या कर सकते हैं, तो उसके पास घास है, बांस है, लकड़ी है, या ये मतलब छोटी छोटी व्यवस्थाएं भी अगर उसके पास हैं तो उससे वो ये मॉडल बना सकता है। और इस मॉडल का अंत जो है वो बायो डिस्पोजेबल है, मतलब इन्वायरमेंट में जाके ये सारा मॉडल मिल जाएगा, घास सड़ जाएगी, तार डिस्पोज हो जाएगा, ऊपर से जो आपने साड़ियाँ लगाई हैं वो डिस्पोज हो जाएंगी, और बांस भी जो है ना एक समय के बाद जला के पूरा ऐश में, मतलब डिस्पोजेबल मॉडल है ये, इन्वायरमेंट को रत्ती भर भी नुकसान ना पहुंचाने वाला मॉडल है, किसान सहजता से कर सकता है और इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और इसमें इनकम का जो साधन है वो चार फसलों के साथ में 4 गुना बढ़ जाता है, और कई तरह के खर्चों के कम होने के साथ में लगभग 4 से 5 गुना तक इसमें खर्चे कम होते हैं, और 4 गुना फसल उत्पादन के साथ में 4 गुना प्रॉफिट बढ़ता है। कुल मिला के शुद्ध लाभ की बात करें तो 8 से 10 गुना तक आप इसमें फायदा सामान्य कृषि से बना सकते हो, 10 गुना तक फायदा बना सकते हो, और पूरी तरह से सस्टेन
पूरी तरह से बायोडिस्पोजेबल और पूरी तरह से इकोनॉमिकल बायो। मतलब आज किसान की आमदनी की अगर हम बात करें तो साल में दो बार होती है, अगर कोई थोड़ा एडवांस में काम करता है तो तीन बार हो जाती है, चार बार हो जाती है, ये आमदनी का स्टेटस है। लेकिन इस मॉडल के साथ में सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जब आप लगाते हो तो 25 दिन के बाद आपकी कुछ ना कुछ इनकम जब चालू होती है तो कंटिन्यूअसली साल भर ये कुछ ना कुछ आपको इनकम देता रहता है। तो अर्बन एरिया में और लघु सीमांत किसानों के लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि के रूप में ये मॉडल साबित हुआ। और इसके एग्जाम्पल केवल एक नहीं, 1000 नहीं, पूरे देश में 5 से 6 हजार मॉडल पूरे देश भर में खड़े हो चुके। इसके बाद अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें कि अंत में फायदा क्या है, देखो जब तक फायदा नहीं होगा तब तक हम उस पर हलचल भी नहीं करेंगे, बात करना तो दूर की बात है। तो फायदा सबसे पहले तो ये होगा कि 70 से 80% तक आपने पानी की बचत कर ली। फिर दूसरा फायदा ये होगा कि खरपतवार बचा लिया, जिसके लिए आज पूरा फार्मर कम्युनिटी परेशान है क्या करें, तो बीडी साइड के अलावा कोई समाधान नहीं मिलता। फिर पेस्ट कंट्रोल, कीड़े भी बचा लिए, ये बात मैं बताना भूल गया। जब आप इस मंडप में के अंदर काम करते हैं और पूरी साड़ी की बॉर्डर बना के काम करते हैं तो कीड़े नहीं पैदा होते, या कीड़े लगते हैं तो बहुत कम लगते हैं, क्योंकि कीड़े फसल में तभी आते हैं जब आपके खेत में दो काम हो, या तो बाहर से कीड़े आए उड़ के तो आपकी फसल को डैमेज करते हैं, या तो खेत में कीड़े पैदा हो। और खेत में कीड़े पैदा होने की दो कंडीशन है, या तो बहुत ज्यादा खरपतवार आपके खेत में हो, या तो बहुत ज्यादा पानी आपके खेत में एक्सेस हो। जहां पर ज्यादा पानी और ज्यादा खरपतवार होगा वहां पर कीड़े जन्म लेंगे और फिर जाके वो फसल को डैमेज करते हैं। तो ज्यादा पानी का तो सवाल ही नहीं है, हम तो यहाँ 5% और 7% पानी में काम करने की बात कर रहे हैं, तो एक्सेस पानी का तो कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात, खरपतवार हुआ नहीं, और जब खरपतवार नहीं हुआ और पानी कम से काम हो रहा है तो खेत में तो कीड़े पैदा होने नहीं। अब जो बाहर से कीड़े आते हैं, उड़ के आते हैं, तो उसके लिए हमने साड़ी की बाउंड्री वॉल बना दी, और जब साड़ी की बाउंड्री वॉल आप बना दोगे तो बाहर के उड़ के आने वाले कीड़े आपके खेत में नहीं एंटर कर पाते, तो कीड़ों से लगभग 60 से 70% का सुरक्षा हो जाती है। और कुल मिला के जो 30% का हमें भय रहता है कीड़े लगने का, वो आप 2-3 चीजों से पूरा करते हो। एक तो एक आदर्श डाइट से मेंटेन करते हो, पौधों के लिए संतुलित आहार, मिट्टी के लिए अगर संतुलित और संपूर्ण भोजन अगर आपने दिया है तो पौधा स्ट्रांगली पैदा होगा, और जो पौधा स्ट्रांगली पैदा होगा यानी कि मजबूत होगा, और मजबूत पौधे में बीमारी कम लगेगी। तो 10-20% हम यहाँ डाइट से कंट्रोल करते हैं बीमारी को, और फिर बाकी का एडवांस में हम प्री प्रिकॉशन दवाइयाँ बना के भी करते हैं। 10-20% का डर आखिरी में बचता है तो उसके लिए जैविक दवाइयाँ बना के हम कंट्रोल कर लेते हैं। कुल मिला के अगर आप जैविक तरीके से वेजिटेबल फार्मिंग करना चाहते हैं, वो भी बिना कीड़ों के, या कीड़ों से परेशान अगर आप हैं, तो इस मॉडल में आपको 70 से 80% तक की कीड़ों की बचत होगी। मतलब आप सहजता से इसमें पेस्ट कंट्रोल आराम से कर सकते हैं। फिर इसके साथ में इंडिजीनियस बीज भी हमारे बसते, क्योंकि इसमें सारे बीज जो है ना हम देसी बीजों का इस्तेमाल करते हैं, इन्वायरमेंट को कोई हानि नहीं पहुँचती, बल्कि इन्वायरमेंट को हम बचाते हैं, 4 गुना हम अपना समय बचाते हैं। क्योंकि अभी आप अगर एक फसल को उगाते हैं तो 1 गुना पूरा टाइम देना पड़ेगा, चाहे वो फसल 4 महीने की हो, चाहे 2 महीने की हो, चाहे 6 महीने की हो। और अगर यहाँ पर आप एक साथ 4 फसलें लगाते हैं तो एक नज़र में आप 4 गुना समय बचा के और 4 गुना फसलों को मोनेटाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी समय की बचत होती है, लेबर भी आपकी 4 गुना बच जाती है। क्योंकि अगर आपका 4 एकड़ का खेत है तो दौड़ दौड़ के 4 एकड़ में काम करना और 1 एकड़ में काम करना सेंट्रलाइज तरीके से होकर, तो निश्चित ही आपकी लेबर भी इसमें बचती है और 4 गुना तो इनकम होती है गारंटी के साथ। तो इस तरह से इतने सारे फायदे होते हैं इस मॉडल को करने से। मैं आपको इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो किसान मार्जिनल है, मतलब जिनके पास 2 से 5 एकड़ भूमि बची है और अब वो खेती बेचने का मन बना रहे हैं या फिर वो माइग्रेट होने की सोच रहे हैं, वो लोग अगर इस फार्मिंग के मॉडल को करते हैं, या जिनकी खेती अर्बन एरिया में है, शहरों से जुड़ी हुई आसपास के इलाकों में और बहुत छोटे टुकड़े में है, भले तो चाहे 5,000-10,000 स्क्वायर फीट का टुकड़ा है, अगर आप उस टुकड़े का इस्तेमाल लेयर फार्मिंग में करते हो तो जबरदस्त तरीके से आमदनी का अच्छा खासा जरिया आप तैयार कर सकते हो। ऐसे देश में बहुत सारे मॉडल हैं जिन्होंने ये काम करके एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे इंजीनियर की सैलरी का पैकेज 1 एकड़ की भूमि से तय किया है। तो वो नौकरी करने से ज्यादा बेहतर है ये काम को करना, जो आपको 50 से 60 हजार रुपए की आमदनी और हेल्थ सिक्योरिटी आपको ताजिंदगी देती है। इसके बाद अब हम तीसरा एक और विषय है, ये हुई पूरी मल्टीलेयर की बातचीत।
तीसरा जो विषय है वो है मल्टीलेयर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। और एग्रीकल्चर अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ये करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे किसान मैनेजमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और जो लोग मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं उनकी फसल कहीं ना कहीं कीड़ों से, कहीं ना कहीं पानी से, कहीं ना कहीं मौसम से, कहीं ना कहीं जानवरों से, या खाद की मात्रा से, या मौसम परिवर्तन से लगातार प्रभावित होती है। तो हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, और मैनेजमेंट के लिए ये इतने सारे काम है जो आपको मैनेज करके चलना है। देखो, मैंने बोला खेती जो है ना खाली टमाटर का बीज डाल के पानी डाल के करने का काम नहीं है। खेती जो है ना एक पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम मैनेज करने का काम है, और उसमें पानी एक बड़ी भूमिका में है, फिर समय है, खाद है, खरपतवार, कीड़े, गाय, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है कि ये गड़बड़ ना हो और इनको कोई हानि भी ना हो। तो एक एक पर बात कर लेते हैं। पानी की अगर हम बात करें तो देखो बहुत सारे तरीके हैं पानी को बचाने के लिए। तो जैसे पोल है, ट्रेंच है, टपक सिंचाई है, चेक डैम है, वाटर सेट में फैन, नाला बंधान है, टपकन टैंक है, तमाम तरह की विधियां हैं पानी को बचाने के लिए। लेकिन ये सारी विधियां कहीं ना कहीं बड़े लार्ज स्केल पर बड़ा खर्चा करके ये हो पाती है। आपको चेक डैम बनाना है तो बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, आपको नाला बंधान करना है तो बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, तो ये किसान नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपको किसान को पानी बचाने का काम करना है तो वो कैसे कर सकता है, उस विषय पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पानी बचाने की दिशा में लगातार हमने प्रयास किया है और तीन तरीके के फार्मूले इजाद किए हैं जिनसे हम पानी को बचाते हैं। पहला फार्मूला है हमारा खेत के अंदर पानी रिचार्जिंग का। और जब हम खेत के अंदर पानी रिचार्जिंग की बात करते हैं तो जो हम पानी बचाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी दोमट मिट्टी होती है या सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल या दोमट मिट्टी में जो हमारे खेत का ढाल होता है, ढाल की अपोजिट डायरेक्शन में हम रिज बेड बनाते हैं। समझ रहे ना आप बात? जैसे हमारे खेत का ढाल यूं जा रहा है आपकी डायरेक्शन में, तो हम रिज बेड बनाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में बेड बनाते हैं, या इस बात को ऐसा समझ लें कि जब हम ढाल की डायरेक्शन में बेड बनाते हैं तो पानी लगातार प्रेशर से बह के चला जाता है, और जब खेत से पानी निकल के बह कर जाता है तो वो पानी के साथ में बेसकीमती मिट्टी को भी प्रेशर में बहा के ले जाता है, और इस पर हमारा कोई चिंता नहीं है, किसानों के लिए कोई चिंता नहीं है। और मेरा जहां तक मानना है किसान होने के नाते कि किसान की जो कैपिटल है, पूंजी है, वो पैसा नहीं है, वो घर नहीं है, वो गाड़ी नहीं है, उसकी जो कैपिटल है वो है मिट्टी और पानी। अगर मिट्टी और पानी है तो वो जो है किसी भी कंडीशन में पैसे को पैदा उसमें से कर सकता है, और अगर मिट्टी और पानी अगर उसके पास नहीं है तो वो पैसे होने के बाद भी पैसे पैदा नहीं कर सकता। तो कुल मिला के बात ये है कि मिट्टी और पानी ये हमारी कैपिटल है, और इसे हमें अपने खेत पे ही बचाना चाहिए। इसके लिए कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा आपके खेत को ये कहने के लिए कि भाई ये बचाओ, ये हमारी कैपिटल है, ये हमारी जिम्मेदारी है इसको बचाना। तो हमने इस पर जो काम किया है वो ये प्रीवियस कि अगर मान के चलो आपका पहले की स्लाइड देखो, पहले आप अगर खेत के अंदर पानी रिचार्ज करते हो, देखो मैंने बताया अगर अभी हम जो पानी रिचार्ज करते हैं वो क्या करते हैं, एक कुआं होता है, कुएं के आसपास हम खोदकर बड़े पत्थर डाल के, फिर छोटे पत्थर डाल के, फिर रेत डाल के पानी को रिचार्ज करते हैं। तो आपने क्या किया, एक कुएं के चारों तरफ बना दिया, मतलब बहुत अधिकतम तो 2000 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट के एरिया से आपने पानी को धरती के अंदर जाने दिया, यही ना। अगर आप बोरवेल को रिचार्ज करते हो तो क्या करते हो, बोरवेल के आसपास खड्डा करते हो, फिर पत्थर डालते हो, फिर छोटे पत्थर डालते हो, रेत डालते हो, तो बोर के आसपास आप थोड़ा सा पानी को रिचार्ज कर पाते हो। लेकिन अगर अपन जहां पर पानी की बूंद गिर रही है अगर वहीं पर पानी रिचार्ज करने का संकल्प ले लें कि जहां पर पानी की बूंद ड्रॉप हो रही है अगर वो बूंद वहीं पर धरती के अंदर चली जाए तो पूरे विश्व में जबरदस्त क्रांति आ जाएगी, पानी रिचार्जिंग की व्यवस्था का मसला जो है तत्काल रूप से सॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए जो प्रयास किया हमने वो ये है कि हम पहले नंबर तो एक फिट ऊंचा मेड़ा बनाते हैं, बेड बनाते हैं, रिज बेड बनाते हैं। अब रिज बेड जब एक फिट ऊंचा बना देते हैं तो उसके ऊपर हम अपनी सारी फसलें लगाते हैं, जैसे यहाँ पर अरहर दिख रही है और हल्दी दिख रही है। अब हमने इसको क्या किया कि ढाल की अपोजिट डायरेक्शन में बेड बना दिया, तो क्या होगा जब ढाल की अपोजिट डायरेक्शन में आप बेड बनाओगे तो पानी का जो प्रेशर है वो जाके पहले ही बेड पे न्यूट्रल हो जाएगा, फिर इससे ओवरफ्लो तो ये हो नहीं पाएगा, दूसरे बेड का पानी और मिट्टी रहेगी वो भी वहीं न्यूट्रल हो जाएगी, फिर अगले बेड का भी न्यूट्रल हो जाएगा, तो जो पानी बहने का प्रेशर है उसको हम रोक लेते हैं, ठीक है कि नहीं। और जब हमने पानी बहने का प्रेशर रोक लिया इसका मतलब ये है कि आपने तुरंत गति से जो बहने वाला पानी था वो आपने खेत के अंदर रोक लिया, और जैसे ही पानी रोकते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे धरती के अंदर जाता है।
अब जब ढाल के अपोजिट डायरेक्शन में बेड रहेगा तो क्या होगा, या तो पानी थोड़ा सा पहले थमेगा फिर वो अपनी दिशा बनाएगा, तो दिशा बनाएगा तो या तो लेफ्ट में जाएगा या तो राइट में जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट में भी उसको रोक देते हैं और राइट में भी जाके उसके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। और एक फिट की हाइट का बेड होता है तो आधा फिट तक हम उसको ब्लॉक में ले लेते हैं, मतलब आधा फिट की हाइट तक हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब ज्यादा पानी गिरेगा तो फसल हमारी खराब नहीं होगी। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ये आधा फिट तक जमीन पर जो रास्ता होता चलने वाला, उस रास्ते में आधा फिट तक पानी भरा हुआ है और हमारी फसल सुरक्षित है क्योंकि वो फसल और आधा फिट ऊपर है। तो आधा फिट पर हम ब्लॉक करने से ये फायदा होता है कि ढाल की डायरेक्शन में जैसे ही बेड वो पानी जाता है और वहां पर रुकावट होती है तो वो अंदर ही रास्ते में भरा रहता है, और जब अंदर रास्ते में भरा रहता है तो वो वहां जाके लगातार रिचार्ज होता रहता है। और वहां पर ही खेत में रिचार्ज होने से आपके खेत में जो वाटर लेवल का इंप्रूवमेंट आता है वो अमेजिंग होता है, जबरदस्त होता है। इस विधि से अगर आंकड़ों की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर एक इंच बारिश हमारे एक एकड़ के खेत पर गिरती है, मतलब एक एकड़ का खेत का जो रेडियस होता है वो 44,000 स्क्वायर फीट का होता है। मतलब 44,000 स्क्वायर फीट पर अगर पानी की बूंदों की गिनती करें तो संभव नहीं है कि कितनी गिनती में पानी की बूंदें गिरी, लेकिन अगर हम एक इंच बारिश में कितने लीटर पानी गिरा ये अगर कैलकुलेशन करें तो मौसम विभाग से हमने पता किया, उन्होंने बताया कि एक इंच बारिश से 1,00,000 लीटर पानी गिरता एक एकड़ के रेडियस में। कितना? 1,00,000 लीटर पानी। अगर आपका एरिया में या आपके खेत पर 40 इंच बारिश हो गई तो कितने लाख लीटर पानी गिरा? 40,00,000 लीटर पानी आपके एक एकड़ के खेत पे गिरा। इसका कुछ हिस्सा धरती के अंदर जाता, बाकी का हिस्सा नाले के माध्यम से नदियों में चला जाता है और उसके साथ में बेस कीमती मिट्टी भी जाती है। अब इस विधि के माध्यम से अगर आप कल्पना करो हमारे बेड पे जो मिट्टी है उस पे पानी लगा, पानी के साथ मिट्टी नीचे बह के गिरी, अब ये हमने ढाल के अपोजिट डायरेक्शन में बेड बनाया तो मिट्टी उछल के तो नहीं जाएगी खेत से बाहर, वो तो बेड में ही रहेगी अंदर। और यहाँ पर हमने आधा फिट का रोका भी बना रखा तो वो आधा फिट के नीचे ही रहती है। अगर बारिश अति बारिश में बदलती है तो पानी ओवरफ्लो होता है और ओवरफ्लो होके फिर वो आधा फिट को क्रॉस करते हुए चला जाता है, फसल हमारी सुरक्षित रहती है। मतलब मिट्टी का 1 किलोग्राम भी हिस्सा हमारे खेत से बाहर नहीं निकल पाता इस विधि से। और पूरे आंकड़े हमारे पास है पिछले 5-6 सालों के, 10,00,000 लीटर पानी हम खेत के अंदर ही इस विधि से रिचार्ज कर पाते हैं। 10,00,000 लीटर, मतलब जो जबरदस्त है, जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते। अब इसके बाद यहां तक हम नहीं रुके, इसके बाद हमने क्या किया, ये तो हो गई ओपन फार्मिंग की बात। जब हम खुले में खेती करते हैं तो खुले में हम बेड बनाते हैं तो हमने ढाल के डायरेक्शन में बेड ना बना के अपोजिट डायरेक्शन में बेड बनाए। लेकिन जब आप लेयर फार्मिंग की बात करते हो तो लेयर फार्मिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि उसमें ढाल के डायरेक्शन में बेड बनाते हैं क्योंकि वहां पर 4 फसलें होती हैं। जब 4 फसलें होती हैं तो क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत होती है और डेंसिटी बहुत होने के कारण पानी जो है ना लगातार रुकता है। और अगर हमने ढाल के अपोजिट डायरेक्शन में रिज बेड बना दिए तो और ज्यादा रुकेगा, तो फसलें गल जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, ढाल के डायरेक्शन में बनाते हैं। और जब हम ढाल के डायरेक्शन में बेड बनाते हैं तो पानी जो साफ निकल जाएगा तो 100% निकलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं वहां पर छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं क्योंकि जब हम अदरक हल्दी जैसी फसलें लगाते हैं तो इनको एक बार साल में मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता होती है और हम मिट्टी चढ़ाते हैं जुलाई के समय में। तो मिट्टी चढ़ाने के लिए फार्मर क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं और साइड में मिट्टी लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, सीधा सीधा ना खोद के उसको छोटे छोटे गड्ढे के रूप में खोद देते हैं, तो जो मिट्टी निकली उसको बेड पर साइड में लगा देते हैं तो अदरक हल्दी को फायदा होता है और गड्ढा बन जाता है तो उसमें जाके पानी जो गिरता है वो रिचार्ज होने लगता है। तो 1 एकड़ में लगभग 1,000 गड्ढे हम बना देते हैं और 1,000 गड्ढे बना के हम मिट्टी चढ़ाने का भी काम कर देते हैं और उन गड्ढों के माध्यम से एक गड्ढे से 1 घंटे में 5 लीटर पानी रिचार्ज हो जाता है। तो 1 एकड़ से 1 घंटे में 5,000 लीटर पानी रिचार्ज होता है। और अगर ओवरऑल अगर हम पूरा 3 महीने का सिनेरियो डिस्कस करें तो इस विधि से भी हम 10,00,000 लीटर के आसपास 1 एकड़ से पानी को रिचार्ज करते हैं। तो 10,00,000 लीटर इस विधि से कर लिया, 10,00,000 लीटर ओपन फार्मिंग में कर लिया। अब जब पानी ये ओवरफ्लो होगा, भाई ऐसा तो है नहीं कि गड्ढे ही में भरने के बराबर पानी गिरेगा या गड्ढे को देखकर पानी गिरेगा कि यार भर गया बंद हो जाओ, पानी तो गिरेगा तो गिरेगा, तो वो ओवरफ्लो भी होगा। तो ओवरफ्लो के कहाँ जाएगा, फिर जाके हमने खेत के चारों तरफ ट्रेंच बना रखी है, 2 फिट गहरी नाली और 2 फिट चौड़ी नाली। इस चौड़ी और गहरी नाली में हम क्या करते हैं,
जो भी हमारे खेत का पानी ओवरफ्लो होके जाता है वो जाके हमारी ट्रेंच में गिरता है, जो 2 फीट चौड़ी और 2 फीट गहरी नाली होती है। और ट्रेंच में जाके गिरता नहीं है, ये लगातार पूरा घेरा बना के 1 एकड़ में भरा रहता है। और 3 महीने की बारिश में लगभग 10 लाख लीटर हम खेत के चारों तरफ बनाई हुई ट्रेंच के माध्यम से पानी को रिचार्ज करते हैं। सो हो गया 20 लाख लीटर। अब ट्रेंच से भी एक समय ओवरफ्लो होगा तो हम क्या करते हैं, ढाल के डायरेक्शन में एक गड्ढा बनाते हैं, उस गड्ढे को 10 बाई 10 फीट का बनाते हैं और उसको ऐसे ही खुला छोड़ते हैं और चारों तरफ छोटे छोटे पेड़ लगा देते हैं। तो जब ट्रेंच से पानी ओवरफ्लो होता है तो जाके फिर वो गड्ढे में रुकता है और यहां तक आते आते गड्ढे के माध्यम से भी 10 लाख लीटर पानी हम रिचार्ज करते हैं और 10 लाख लीटर तब भी हम खेत से बाहर बहने देते हैं। तो ओवरऑल 40 इंच बारिश पर 40 लाख लीटर पानी गिरने पर हम 30 लाख लीटर खेत के अंदर ही पानी को रिचार्ज करते हैं। ये मैनेजमेंट है पानी का, और अगर ये हिंदुस्तान के हर एक किसान ने कर लिया तो क्रांति आ जाएगी, आपको पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अभी से ये काम करना चालू किए और जब हमारा अंतिम दौर आएगा तब तक हमारे कुओं में 200 फीट का जो लेवल है या बोरों में जो 200 फीट का लेवल है वो वापस 20 फीट पे आ जाएगा, ये काम हो जाएगा, ठीक है। और आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ ले पाएंगी और इन विधियों के माध्यम से निश्चित ही आप पानी को जबरदस्त तरीके से रिचार्ज कर सकते हो। गड्ढे से तो हम पानी रिचार्ज करते ही हैं, लेकिन जहां पर धरती पर पानी की बूंद गिर रही है अगर वहां पर रिचार्जिंग की व्यवस्था कर ली तो हम बड़े वॉल्यूम में पानी को रिचार्ज कर सकते हैं। सो ये पानी रिचार्जिंग की व्यवस्था मैंने आपको बताई, तो ये पानी का मैनेजमेंट है, ये किसान को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये किसान नहीं करेगा तो कौन करेगा। घर की छतों का पानी अगर हम छोटे से गड्ढे में पटकेंगे तो कितने हिस्से में पानी रिचार्ज होगा। तो अगर ये काम किसान अपने हाथ में ले ले तो क्रांति आ सकती है। इसके बाद जो है अपना ये कैलेंडर है टाइम मैनेजमेंट के लिए कि आपको कौन सी फसल कब बोना चाहिए, किस टाइम पे बोना चाहिए। तो ये बायोडायवर्सिटी का कैलेंडर आप लेकर तिथियों के आधार पर अगर आप फसलें बोते हैं तो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से फसलों पर पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है। आप जब पैदा होते हो तो आपकी कुंडली बनती है और कुंडली आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को के आधार पर बनती है कि आप किस दिशा में आपकी सोच जाएगी, किस दिशा में क्या जाएगा। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है। और अगर हम पौधों को जब या बीजों को धरती के गर्भ में डालते हैं अगर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पॉजिटिव होती है तो निश्चित ही फसल में पैदावार की जो स्थिति है वो अलग बनती है। तो इसलिए आपको समय मैनेजमेंट के लिए ये कैलेंडर का उपयोग करके काम करना चाहिए। फिर इसके बाद जब हम खाद की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लेयर फार्मिंग अगर आप करते हो तो खाद 1 गुना चाहिए, फसल 4 गुना पैदा होगी। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है, फायदा है। दूसरा, सॉइल टेस्टिंग कराने की खास आवश्यकता नहीं है। अगर आप मिट्टी का खाली पीएच वैल्यू चेक कर लेते हैं तो उससे पता चलेगा कि मिट्टी कितनी बीमार है, उसका पीएच वैल्यू क्या है। अगर पीएच वैल्यू उसकी कम है तो एसिटिक सॉइल है, तो आप नॉन एसिटिक फर्टिलाइजर के रूप में डायरेक्ट आप रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल करिए तो आपका पीएच नॉर्मल हो जाएगा। अगर सॉइल का पीएच ज्यादा है, एल्कलाइन स्थिति पहुंच चुकी है सॉइल का, तो फिर आप गौमूत्र का प्रयोग करके उसके पीएच को नॉर्मल करिए। इस तरह से आप खाद का मैनेजमेंट कर सकते हैं पीएच वैल्यू चेक करके। और इसके लिए 10 रुपए का एक पेपर आता है, सामान दुकानों पे आपको मिल जाएगा। और आप ये अपना वाटर लेके आइए, डिस्टिल वाटर, और अपनी खेत की मिट्टी आधा आधा मिलाइए, पेस्ट बनाइए और वो पीएच पेपर डिप करिए। 10 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपका पीएच की रीडिंग क्या जा रही है। तो उसके आधार पर आप अपनी डाइटिंग मिट्टी में दे सकते हैं कि हमें क्या डाइट देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं खरपतवार की, कि अगर हम खरपतवार से परेशान हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो मैंने पहले तो बताया आप लेयर फार्मिंग करोगे तो आपको ये समस्या आनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पूरी तरह से खेतों में फसलों मतलब खेत को अगर पूरी तरह से फसल से ढक दोगे तो आपको खरपतवार की समस्या नहीं आएगी गारंटी के साथ। अगर आपने सिंचाई की व्यवस्था जो है मिनी फॉगर से या टपक सिंचाई कर रखी है तो उससे भी काफी हद तक कंट्रोल होगा। अगर आपने शेड बना के काम किया है तो उससे भी काफी हद तक होगा। और अगर आपने बाउंड्री वॉल बना के रखी है तो उससे भी काफी हद तक होगा। मतलब खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए अगर ये 4 काम आपने ध्यान में रखे या करे हैं तो आपको खरपतवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद होता है पेस्ट मैनेजमेंट, कीड़ों के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि खरपतवार खेत में नहीं होना चाहिए। मैंने बताया खरपतवार होंगे तो कीड़े निश्चित आएंगे, पानी ज्यादा होगा तो कीड़े आएंगे। तो खरपतवार और पानी कंट्रोल करते हैं शेड बना के और बाउंड्री वॉल बना के अगर फार्मिंग आप करते हो तो कीड़े निश्चित ही आपके कंट्रोल होंगे, ये बेनिफिट होगा। इसके बाद
अंत में मौसम का कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे इन्वायरमेंट को बचाएं, तो सबसे पहले नंबर तो है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, और वो भी सस्टेनेबल तरीके से। अगर हम ये करते हैं तो मौसम का जो बचत है वो 100% होगा, क्योंकि आज मौसम की बचत के लिए हम लोग खेती के लिए काम करते हैं लेकिन मौसम का भूल जाते हैं। जब हम मौसम के लिए काम करते हैं तो पानी का भूल जाते हैं, जब हम पानी के लिए काम करते हैं तो दूसरी चीजें भूल जाते हैं। तो कुल मिला के हम नेचर को कहीं ना कहीं से एक गुना फायदा लेते हैं, दो गुना नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले पर काम करते हैं तो आपको पानी से लेकर खरपतवार से लेकर कीड़ों से लेकर नेचर के प्रत्येक तंत्र से लेकर मिट्टी से लेकर सभी चीजें, मतलब आपको नेचर की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, एनवायरमेंट अपने आप इसमें बचता है। मल्टीलेयर फार्मिंग, ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल सीड्स का आप देसी बीजों का प्रयोग करें तो निश्चित ही है नेचर को बहुत बड़ा फायदा होगा, और नेचर को फायदा होगा तो समूची मानव जाति को उसका फायदा होगा। इसके बाद अंत में जो है गाय का मैनेजमेंट कैसे करें, तो गाय के मैनेजमेंट के लिए हमको पहले नंबर तो गोबर का इस्तेमाल करना होगा। जैसा कि हमने बताया कि आज हम हिंदुस्तान में गोबर की जो इज्जत करते हैं वो रोड पे कचड़े के रूप में करते हैं, ढेर लगाते हैं या गड्ढे में डालते हैं। आपको ढेर या गड्ढे में नहीं डालना, उसको निकाल के आप सीधा जो है पेड़ की छाया में और बढ़िया प्लेटफॉर्म बना के उसको कंपोस्टिंग की व्यवस्था पर ले जाओ, उससे आप वर्मी फॉस बनाओ, नीमो फॉस बनाओ, फॉस्फो कंपोस्ट बनाओ, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, ये सारे तरह के खाद बनाओ, तो उसका 100% यूटिलाइजेशन होगा। और गोबर का अर्क निकाल के उसको लिक्विड फॉर्म में फसलों को दो तो 100% गोबर का उपयोग कहलाएगा। फिर यूरिन का भी आप इस्तेमाल करो, गाय के यूरिन में करंट होता है, ये करंट जो है ना आपकी अगर खेती को मिलेगा तो आपके जो खेत में बैक्टीरिया है वो बहुत एनर्जेटिक होंगे और खेती समृद्धि की तरफ जाएगी। फिर उसके बाद देसी गाय का जो मिल्क है उसको आप जैविक ही नहीं मेडिसिनल मिल्क के रूप में लेके आओ, क्योंकि आज हिंदुस्तान को उस मिल्क की आवश्यकता है। हम जर्सी और जो भैंस का दूध पीते हैं उससे हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है और तमाम तरह की बीमारियां भी होती हैं, तो इसलिए देसी गाय का जो दूध है वो आपके बच्चों के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिट है। और इसको मेडिसिनल रूप में लेके आओ। जब हम गाय के डाइट के बारे में बात करते हैं तो अभी चूंकि समय नहीं है, नहीं तो मैं आपकी गाय की एक आदर्श डाइट बताता तो उससे जो दूध पैदा होता है वो सुपर मेडिसिनल मिल्क पैदा होता है। अगर आप कमजोर आदमी को या बीमार आदमी को अगर आप वो दूध एक हफ्ते तक पिला दो तो उसको वो मेडिसिन का काम करता है और वो व्यक्ति खड़ के चल देता है। तो वो अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया, गाय हमारी सेफ होगी। और डेयरी को मैकेनाइज तरीके से, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करें तो गाय हमारी बच सकती है। इसके बाद जो है अंत में जो है समरी, फायदे की बात की, अंत में हमारा फायदा क्या होगा ये करने से, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। आज जिस तरह से हम सॉइल की फर्टिलिटी को निरंतर गिराते चले जा रहे हैं ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इंसान के पास आज जो जमीन का टुकड़ा है अगर वो इस धरती पर पहले 20-25-50 साल 100 साल पहले नहीं था तब भी वो टुकड़ा था, और अगर उनके पहले की बात कर लें तब भी वो टुकड़ा था, और अगर हम बहुत 1000 साल पहले चले जाएं तो भी वो टुकड़ा था, 10,000 साल पहले चले जाएं तो भी वो टुकड़ा था, 1,00,000 साल पहले पहुंच जाए तो भी वो टुकड़ा था, और आज भी है और आप नहीं रहोगे तो भी रहेगा। मतलब उस टुकड़े पर न जाने कितने हजार लोगों के नाम परिवर्तित हुए, कितने ऑनर बने उस टुकड़े के, लेकिन वो टुकड़ा ज्यों के त्यों रहा। और अगर हमने पिछले 60 सालों में जो कृत्य किए हैं या जो भी काम किए हैं उसकी वजह से पिछले हमने 1,00,000 सालों का जो इतिहास है उस पर कहीं ना कहीं दाग लगाया है कि जो 1,00,000 सालों में भी मिट्टी का टुकड़ा खराब नहीं हुआ वो हमने पिछले 60 सालों में कर दिया, तो ये मानव जाति के लिए एक कलंक जैसा है। तो इस मॉडल को या इस व्यवस्था को अपनाने से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, जो आने वाले समय में या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही अच्छे माहौल के रूप में हम छोड़ के जाएंगे। इवन जो है जब हम ऊपर जाएंगे शांति पूर्वक तरीके से तो भगवान भी आपका स्वागत करेंगे। सो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। आप सोचो पिछले जो 1,00,000 सालों में पॉल्यूशन नहीं बढ़ा वो पिछले 60 सालों में हमने पॉल्यूशन को बढ़ाया। जब हम अगर इस व्यवस्था के साथ में काम करते हैं तो पॉल्यूशन आपका कंट्रोल रहेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। वाटर कंजर्वेशन, पिछले जो 1,00,000 साल पर इस धरती पर जीव जंतु मानव सब कुछ हुआ लेकिन पानी का लेवल उन 1,00,000 सालों में कहीं गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन पिछले 60 सालों में जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ वो 20 से 2000 फीट पर पहुंच गया। मतलब हम कहां जा रहे हैं, अगर ये कंटिन्यूअसली करते गए तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें पैसे खरीद के पानी
पैसे देकर पानी को खरीद के अपना जीवन यापन करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि खेती बहुत संकट में आ जाएगी। तो हम इस व्यवस्था के साथ में काम करें ताकि पानी रिचार्जिंग की व्यवस्था हम खुद भी कर पाएं और आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छी पानी की व्यवस्था हम छोड़ के जाएं। फिर उसके बाद क्रॉप की जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी वो अल्टीमेट होगी। अगर आप एक फसल पैदा करते हो नॉर्मली वे में, अगर आप एक फसल पैदा करते हो तो मुश्किल से 3 दिन टिकाना उसको मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इस व्यवस्था के साथ में अगर फसल पैदा करते हो तो आप 10 से 15 दिन तक भी अपनी फसल को सुरक्षित रूप से घर के एनवायरमेंट में रख सकते हो। कोई फ्रीज व्रीज की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें इतनी इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, वो नेचर के साथ में इतना तालमेल बना लेता है कि नॉर्मल एनवायरमेंट में वो उसका सर्वाइवल हो जाता है। फिर उसके बाद पेस्ट कंट्रोल, कीड़े आपके कंट्रोल होंगे, बायोडाइवर्सिटी आपकी मेंटेन होगी। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा काम है क्योंकि अगर ये जैव विविधता मेंटेन नहीं हुई तो जैविक खेती का ढोल पीटने से साफ कोई फायदा नहीं है। जैव विविधता मेंटेन करना ही पहली प्राथमिकता है, तभी जैविक खेती का तंत्र सेट हो पाएगा। जब तक जीव सक्रिय नहीं होंगे तब तक जैविक खेती नहीं होगी, आपके सक्रिय होने से कोई फायदा नहीं है। कुल मिला के इस संपूर्ण बातचीत का निचोड़ यह है कि जीवों की रक्षा करो और जीवों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करो। नेचर आपको प्रोडक्टिविटी देने के लिए सक्षम है और वो दे रही है और लाखों वर्षों से देती चली जा रही है। फिर उसके बाद खरपतवार कंट्रोल होगा, जो बड़ी समस्या लेके हम घूम रहे हैं। 40-50 हज़ार करोड़ का वीडिसाइड हम हर साल डालते हैं तो ये बहुत ही मतलब एक खतरनाक है, तो वीड भी कंट्रोल होंगे और बुरे मौसम के प्रभाव में भी हम खेती कर पाएंगे। इतने सारे फायदे आपको एक साथ में होने वाले हैं और जब एक साथ में इतने सारे फायदे हो रहे हैं तो फिर हमें इसे अपनाना चाहिए और इसे करना चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। इस पूरी बातचीत का निचोड़ है वो यही है कि अगर हमें एक बेहतरीन मानव के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना है तो निश्चित ही है हमें जीवों की रक्षा के लिए काम करना होगा। जब हम जीवों की रक्षा के लिए काम करेंगे तो प्रकृति आपके लिए और आने वाली जनरेशन के लिए काम करेगी और इस धरती पर सबसे बड़ा पुण्य का काम अभी यही है कि हम जितने से ज़्यादा जीवों की रक्षा और प्रत्येक एकड़ भूमि पर जहर डालने से अगर हम बचा पाए तो आप मंदिर जाओ या ना जाओ, भगवान को पूजो या ना पूजो, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपने एक एकड़ भूमि को भी अगर विषमुक्त और जहर मुक्त बना दिया तो इस धरती पर सबसे बड़ा पुण्य का कार्य आप करके जाओगे और भगवान आपके लिए हमेशा स्वर्ग के दरवाजे 2-4 दिन पहले से खोल के रखेंगे। और नहीं तो जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से हम कितने भी अखंड रामायण पूजा पाठ मंदिर चौखट जो भी करना वो सब कर लें, लेकिन अगर हमने जीवों की हत्या करी है तो निश्चित ही हमारे लिए नरक के दरवाजे भी 10 दिन पहले से खुले रहेंगे। तो ऐसा हम कोई भी कृत्य ना करें या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी पर आगे ना बढ़ें जिससे पर्यावरण को हानि हो, जिससे जीवों को हानि हो और समूची मानव जाति संकट में आए, ऐसा हम कोई भी कार्य ना करें। तो जैविक खेती केवल सब्जी उगाने का काम नहीं है, जैविक खेती एक जीवन है, एक कला है, एक विद्या है और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो इस संस्कृति के हिस्से को हम साथ में लेके चलें, इस परंपरा को हम आगे बढ़ाएं। आप सभी ने हमारी बातों को बहुत गंभीरता से सुना समझा, अगर इस विषय पर कभी भी आपको और संवाद करने की जरूरत पड़े, क्योंकि अभी तो सुपर फास्ट ट्रेन की तरह हम लोग भागे क्योंकि मजबूरी थी, समय की बाध्यता थी, बहुत सारी चीजें आपको बतानी थी, बहुत सारी चीजें अभी बता नहीं पाए क्योंकि पिछले 10 सालों में जो काम किया है वो 1-2 घंटे में बताना संभव नहीं है। तो कभी मौका मिला तो किसी भी मोड़ पर हम लोग मिलेंगे, लेकिन आपको हम अपना नंबर भी शेयर कर देते हैं। अगर आपको कभी भी आवश्यकता पड़ती है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कोई सवाल है, बफर जोन से संबंधित सवाल है, जैविक खेती से संबंधित सवाल है, फसलों के कॉम्बिनेशन से लेकर संबंधित सवाल है, किसी भी बात को लेकर अगर सवाल है तो पिछले जो 10 सालों में हमने काम किया उसका जो अनुभव है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फोन के माध्यम से, ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से देने के लिए तत्पर हैं। 1 कदम आपको बढ़ाना होगा, 2 कदम हम आपके लिए बढ़ाएंगे। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9179066275। एक बार फिर से रिपीट करते हैं 9179066275। संवाद करने का जो सबसे अच्छा समय है वो शाम को 8 से 10 के बीच में है। व्हाट्सएप आप हमें किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन जवाब आपको 102 दिन का इंतजार करके मिलेगा। बहुत जल्दी जवाब का इंतजार ना करें। आप सभी ने हमारी बातों को बहुत गंभीरता से सुना समझा, निश्चित ही है इस जो समय आपने यहाँ पर डिबेट किया ये जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पल था, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इससे आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन होगा, आपके खेतों में परिवर्तन होगा। आप सभी के लिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम के पूरे आयोजकों के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इतनी कठिन परिस्थितियों में कैसे ना कैसे करके जो है ना आपकी समझ के लिए, आपकी सुविधा के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, और इस कड़ी में जो है ना हमारी बहन वैशाली जी ने जो संघर्ष किया, इसके लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बड़े मुश्किल में जो है ना लड़ झगड़ के इन्होंने समय हमारा यहाँ पर आना निश्चित किया, तो निश्चित ही है इन्होंने बहुत ये धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके बीच में आज हमें लेके आए और हमें संवाद करने का आप सभी से मौका मिला। और देश के उन सभी नौजवानों और किसानों को मैं इस मंच के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर जैविक खेती करना है तो जीवों की रक्षा करना बस सीख जाओ, जैविक खेती अपने आप हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।